सभी साथियों को, मार्गदर्शकों को और इस जीएसयू इंडिया के पेज में आज जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आप सभी को सबसे पहले तो गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन बहुत निर्धारित क्रम पे, निश्चित क्रम पे, व्यवस्थित रूप से आगे कार्य कर रहा है, इसी क्रम पे क्योंकि कोरोना काल है तो गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने तय किया कि देश में जो कोरोना काल के संकट की स्थिति में इस बार का राष्ट्रीय कार्यक्रम गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन का वर्चुअली मनाया जाएगा। और साथ ही सभी पदाधिकारियों ने, सभी जिम्मेदार लोगों ने अपने अपने स्थान पे गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन का कार्यक्रम अपने तरीके से मनाया। इसी क्रम पे आज हमारे कुछ विशिष्ट साथियों के साथ हम उपस्थित हुए हैं जो कि अपनी बात जीएसयू की तरफ से आप सभी के सामने रखेंगे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं करने से पहले यहाँ पे उपस्थित सदस्यों से आप लोगों को परिचित कराता हूँ। हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आदरणीय गणेश मांझी जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुसुम परस्ते जी भोपाल से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की पदाधिकारी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ झारखंड से अनुज बेसरा जी जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मातृशक्ति निशा ध्रुवे जी जुड़ी हुई हैं। जबलपुर से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष अंजना जी जुड़ी हुई हैं। और बीच में भी हमारे साथ अन्य साथीगण जुड़ते रहेंगे। हमारे साथ और भी साथी लोग हैं जो जुड़ेंगे, जिनका बीच बीच में आपसे परिचय और अवगत आपको कराया जाएगा। आइए हम सभी मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चूंकि जैसा कि हमारी परंपरा है, हमारी व्यवस्था है कि मातृसत्तात्मक जो हमारी व्यवस्था है उसका मान रखते हुए, उसका सम्मान रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम मातृशक्ति आदरणीय कुसुम परस्ते जी के वक्तव्य से करते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वह फेसबुक में अपनी बात रखने के लिए अपनी बात रखें। आदरणीय कुसुम परस्ते जी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आरडी दाऊ, सेवा जोहार सगाजनों। जीएसयू स्थापना दिवस 10 दिसंबर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आज का दिन छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह जी के शहादत को मैं सेवा नमन करती हूँ। तो सबसे पहले प्रकृति के सर्वोच्च शक्तियों को सेवा जोहार करती हूँ। पेंजिया दाई, पूर्वा दाऊ, नालेश दाई, गंगार पेन, मावा वाना, सल्ला गांगरा का सेवा जोहार करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। मैं कुसुम परस्ते, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष भोपाल मध्य प्रदेश के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ इस FB लाइव पर, GSU इंडिया FB पर आने का मेरा एक ही मोटिव है कि मैं अपनी गोंडी संस्कृति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं। तो सगाजनों, गोंड जनजातियों में एक खास समृद्धशाली संस्कृति और रीति रिवाज एवं सामाजिक मौलिक परंपराएं हैं। गोंड जनजाति जो गोंडी भाषा बोलते हैं और गोंडों की संस्कृति को कोया पुनेमी संस्कृति भी कहा जाता है। कोईतुर अथवा गोंड जैविक रूप से प्रकृति से जुड़े हैं। उनके सभी देव प्रकृति के सभी रूपों को प्रतिनिधित्व करते हैं और यह प्रकृति के सभी रूपों को समझते हैं। सभी देवों में जो मानते हैं वो है बड़ा देव। ये जो है, जो गोंड होते हैं वो सबसे जो बड़े देव मानते हैं उनको बड़ा देव कहते हैं। और गोंड लोग जो है वो स्वयं के जो उत्सव होते हैं और उत्सवों के दौरान जो किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के जो नृत्य करते हैं, तो वो जो है नृत्यों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो जैसा कि गोंडों में सैला, रीना और ददरिया, कर्मा आदि करते हैं। जो सैला नृत्य जो है
क्या एक जो लकड़ियों की जो छड़ी होती है शैल नृत्य उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें कि और यह जो नृत्य होता है यह दियारी यानी कि जो दीपदान होता है उसके दिन से ही शुरू हो जाता है ये शैल नृत्य। और ये बहुत ही मतलब मनमोहक होते हैं और ये जो लगभग 2-3 दिनों तक चलता है सुबह शाम, ऐसा गांव के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते हैं और सेला नृत्य करते हैं। सेला नृत्य की एक खास खासियत जो होती है वो यह है कि यह जो नृत्य है मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति का विकास करता है और नृत्य के माध्यम से ये एक गेम भी इसमें खेलते हैं जिसमें कि एक लंबी कतार के रूप में बनाते हैं, एक लंबी कतार बना लेते हैं जिसमें जो स्टार्टिंग से स्टार्ट में जो रहता है वो एक शिकारी बनता है और जो लास्ट में रहता है वो शिकार बनता है। तो इनमें क्या होता है कि एक गेम होता है जिसमें कि शिकारी जो है शिकार करने की कला को भी सीखता है और वह सारे गेम को भी समझते हैं। तो एक और इसमें एक होता है एक गोंडी में जो होती है ददरिया गीत होता है, जो ददरिया गीत होते हैं वो विशेष करके एक जो एक मंडविंग नेंग होती है गोंडी कोइतुरियन समुदाय में, तो उसपे दूल्हे के आगमन पे विशेष करके ददरिया गीत गाए जाते हैं। और जो कर्मा होता है कर्मा नृत्य, वह जो वर्ष के अंतराल किसी भी समय पर अतिथि आगमन पर सभी गांव वाले मिलकर करते हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के तरीके से करते हैं। और हमारी जो गोंडी संस्कृति होती है उसमें गोंड लोगों में एक रचनात्मक अभिव्यक्ति भी होती है, जैसे कि जिसमें गुदना आप लोगों ने देखा होगा, गुदना होता है कई लेडीजों में गुदना, और या फिर टैटू भी अपन नई नई जनरेशन में बोल सकते हैं जिसे टैटू कहते हैं। तो और गोंडी में जो चित्रकलाएं होती हैं, चित्र शैली गोंडी संस्कृति में, तो ये हमेशा से ही उनके जीवन शैली में जीवन शैली के माध्यमों को दर्शाता है। और संस्कृति का जो संबंध है, संस्कृति का जो संबंध होता है वो संस्कारों से होता है और हमारे संस्कारों में रचे बसे होते हैं, हमारे व्यवहार से प्रकट होते हैं और इनको बस समझना और जानना है हमें बस। तो संस्कृति मनुष्य का जो आत्मिक होता है, पारिवारिक होता है, सामाजिक होता है और जो विकास होता है मनुष्य का, तो उसमें बहुत ही सहायक होता है। तो संस्कृति जो है कोई तुरों की वेशभूषा, खास तौर पे वेशभूषा, बातचीत, उनकी बोली भाषा और सामाजिक उनके संस्कार, धार्मिक जो भी धर्म अपनाते हैं, जैसे हमारा धर्म है कोया पुनेमी धर्म है, और उनके नेंग होते हैं, नेंग शेंग होते हैं, बिजान होते हैं, पड्डुम पावन होते हैं, तो उनमें इन सब चीजें क्या है, पावन पड्डुम में साफ साफ झलकता है कि हाँ ये कोइतुरियन समुदाय है, तो इसको हमें नहीं खोना है, इसको आगे बनाए रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जो कोइतुरियन संस्कृति और गोंडी संस्कृति जो है सामान्य जो हमें जो मिली है वो सामाजिक तौर पे विरासत में प्राप्त एक विश्वास है, विचार और व्यवहार है, प्रथा, उनके जो हमारे रीति रिवाज हैं और ज्ञान है, साहित्य, भाषा, संगीत, धर्म है, ये सारी जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे चलती रहती हैं। और गोंड संस्कृति जो है प्रकृति और उनके जो जीव जगत हैं, वनस्पति जगत का सम्मान व उपभोग कर वो क्या संचालन का सर्वोच्च दर्शन एक कोया पुनेम को ही मानता है, कोया पुनेम जो दर्शन है उसको मानते हैं। और यह जो है किसी व्यक्ति विशेष कर नहीं होता है, ये जो कोया पुनेमी धर्म होते एक व्यक्ति विशेष कर नहीं होता है, यह जो कि एक पूरे बल्कि एक पूरे पुकारालीय होता है जिसमें कि जीव जगत वनस्पति जीव जंतु सभी शामिल होते हैं, उन पर आधारित होता है। तो ये है कि इसकी जो उत्कृष्टता होती है ये तब तक ही जीवित रहती है जब तक कि उसमें मानने वाले अपने अगले पीढ़ियों को हस्तांतरित नहीं करते, मतलब अगर हस्तांतरित नहीं करेंगे तो वो वहीं का वहीं ही रुक जाएगा। तो वही है कि हम कह सकते हैं कि सारी जो अच्छाइयां हैं वो समय के साथ विलुप्त तो हो जाएंगी, और यही कारण है कि हमारा जो मौलिक कोया पुनेमी संस्कृति है
हमसे दूर होता जाता है, तो इसे हमें नहीं खोना है। तो और सारी जो जो भी अच्छाइयां हैं उनको हमें सजोकर रखना है, विलुप्त नहीं होने देना है। हमारा जो मौलिक कोया पुनेमी संस्कृति है हमसे दूर नहीं हुआ है, हम खुद ही कोया पुनेमी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए सगाजनों में मतलब हम और आप सबको गड़ा गड़ा जो हमारे जो पुरखों द्वारा हमें अमूल्य धरोहर पुनेमी पाबुन पड्डुम जो भी हमारे रीति रिवाज हैं परंपराएं हैं उनको हमें हमेशा हर्ष और उल्लास के साथ में उत्साह के साथ में और पारस्परिक वेशभूषा के साथ में हमें मनाना चाहिए, ताकि जो हमारा समाज है और हमारे जो समाज के आने वाली अगली पीढ़ी है भविष्य है उसके उनके जो भविष्य है उनका भविष्य आगे अच्छा बन सके उज्ज्वल बना सके हम उसको। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा GSU परिवार इन सब चीजों को हमारे जो भी नेंगसेंग हैं इन सबको एकदम बारीकी से थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है इनको कि किस तरह किया जाता है, क्यों किया जाता है और हम इनको क्यों करते हैं, तो आगे भी हमारी जो जनरेशन आएगी उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन सब चीजें क्या हैं, क्यों करते हैं हम। तो मैं इसी के साथ में फिर अपनी बात को विराम देती हूँ। वेंता सेवा सेवा, विरंदता सेवा सेवा, विडारता सेवा सेवा, सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुसुम परस्ते जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और आपने बहुत अच्छे तरीके से कोयतूरों के नृत्य के बारे में, संस्कृति के बारे में बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वर्णन स्टूडेंट्स यूनियन के स्थापना दिवस पे। अब मैं आगे जी कुसुम जी जी दाऊ बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जोहार। सेवा जोहार। अब मैं आगे के क्रम पे आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच में झारखंड से उपस्थित हैं आदरणीय अनुज बेसरा जी। आदरणीय अनुज बेसरा जी झारखंड से, कृपया आप आए और अपनी बात रखें। हेलो, मेरी जी आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो GSU के इस मंच को जिन्होंने हमें मुझे इस मंच पर अपनी बातों को रखने का मौका दिया, इसलिए उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जो विभिन्न राज्यों के हमारे सगा बंधु हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा सेवा जोहार। मैं अपनी बातों को रखने से पहले मैं एक छोटा सा अपना परिचय दे देना चाहूँगा। मेरा नाम अनुज बेसरा हुआ और मैं अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से अभी ग्रेजुएशन का विद्यार्थी हूँ और GSU में एक सक्रिय सदस्य के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। यही मेरा छोटा सा परिचय है। आप सबों को एक बार पुनः इस हमारे झारखंड के क्रांतिकारी भूमि से हमारी आवाज़ को आप तक तो पहुँचाने का मौका दिया गया, इसलिए आप सबों को पुनः सभी दर्शकों को सभी अगुवाओं को सेवा 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 जोहार। जैसे कि आज हम लोग को पता है आज ही के दिन हमारा जो गोंडवाना छात्र संघ जिसे हम GSU के नाम से जानते हैं, GSU का कैंप पुकारते हैं, उसका आज स्थापना दिवस है। तो मैं आज के इस पावन अवसर पर, इस आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी सगा बंधुओं को, युवा साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे जो भविष्य है उसके लिए आप सबको बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। साथियों, आज जो हमारा जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का जो नींव रखा गया है, बस एक ऐसे ही कोई भी संगठन का नींव रखने के पहले बहुत सारा उनका इतिहास वहाँ पे दबा होता है, छिपा होता है। तो आज ही के दिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गोंडवाना के क्रांतिकारी गौरव शेर शहीद वीर नारायण सिंह जी को आज ही के दिन में उनको वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे, और उस क्रांतिकारी हमारे गौरव के आज उनके शहादत दिवस कहें तो उसके इस पावन अवसर पर, उसके उस पुण्यतिथि के अवसर पर GSU का गठन किया गया था। यह GSU का जो गठन है, यही GSU का गठन के विषय में हमारे दादाजी जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, दादा हिरासी मरका, उनका भी मकसद था कि युवाओं को भी एक मंच देने के लिए, युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा कुछ संगठन होना चाहिए, और उस संगठन को हम आज GSU के माध्यम से, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से देख पा रहे हैं। आज जैसे कि हम सब जानते हैं
कि कोई भी समाज में जो कुछ भी बदलाव आता है उसमें युवाओं का भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, और उसी जिम्मेदारी और उसी भागीदारी को निभाते हुए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो है पूरे विभिन्न राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ कहें, मध्य प्रदेश कहें, बिहार कहें, झारखंड कहें, उड़ीसा कहें, विभिन्न राज्यों में इनका जो फैलाव है, इनका जो दूरदृष्टीयता जो सोच है उसका फैलाव लगातार जारी है, और आज हम इस उसी का जो है रिजल्ट आज इस मंच के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न राज्यों के जो हमारे सगा बंधु हैं, अगुआ हैं, उनको हम एक मंच पर एकत्रित रूप से अपनी जो संवाद है, संवाद की जो श्रृंखला है उनको आगे बढ़ाते हुए अपनी जो वाद विवाद है उसको बढ़ा पा रहे हैं। तो आज मैं इस आज के इस पावन अवसर पर मैं जीएसयू का जो आज का जो वर्तमान स्थिति है और जो उनका भविष्य क्या होने वाला है उस बिंदु पर अपनी बात रखना चाह रहा था। वैसे तो हमारा देश जो भारत है वह युवाओं का देश कहा जाता है, और युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में हमारे जो युवा का जो संगठन है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, जिसको आज हम लोग गोंडवाना छात्र संघ के माध्यम से जानते हैं, तो जिस तरीके से इन्होंने चंद सालों में इसके गठन के बाद जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से एजुकेशन के क्षेत्र पर, भाषा के क्षेत्र पर, संस्कृति के क्षेत्र पर जिस तरीके से काम किया है और कर रहा है, निश्चित रूप से जो अन्य संगठन है चाहे किसी भी संगठन की बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, तो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रही है और उभरी हुई है। और जिस तरीके से इनका जो सहयोग समर्थन जो विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रही युवा साथियों के माध्यम से, और इसमें हम इस छात्र संघ के माध्यम से जिस तरह से युवा जो सोचते हैं उस सोच को हम इस संगठन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, और निश्चित रूप से जब युवा का जो विचार आता है, युवा का एक जो है नई नई विचार, नई नई सोच जो आता है, उस सोच के वजह से समाज को हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, एक नई एक एक समुचित विकास के जो हमारे दादा हिरासी बरकाम के जो विचार थे कि जिसके वजह से वे समग्र गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन जो चलाए थे उनको हम देख पाएंगे। साथियों, आज के जो इस पावन अवसर पर हम सभी युवा साथियों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अपने जो पदभार संभाले हुए हैं, सदस्य हैं, कार्यरत सदस्य हैं, आप सबों को आज के इस ऐतिहासिक दिन पर फिर से एक बार प्रण लेने की आवश्यकता है, अपने जो जोश और जुनून को दुगुनी करने की आवश्यकता है कि हम इसी जोश और जुनून के साथ में आने वाले भविष्य में भी इसी तरीके से अपने समाज के जो कर्जदार हैं उस कर्ज को इसी तरह उतारते रहें, निर्वहन करते रहें, ताकि आने वाले जो हमारा भविष्य होगा वो जो ऐतिहासिक जो आज हमारे जो इस नींव के माध्यम से एक दूर तक की दृष्टि को देख पाएगा, और हमारा जो आज का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है हम सभी आदिवासी मूल निवासियों के लिए, खास करके जिस तरीके से विभिन्न जो राइट विंग के लोगों के द्वारा जिस तरीके से हमें विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो या फिर विभिन्न हक अधिकार के क्षेत्र में हो, जिस तरीके से हमें दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, इस अवसर पर हम सभी को इस जो बहुत ही गमगीन स्थिति है, इस स्थिति पर हमें और भी विशेष सजग और जागरूक होने की आवश्यकता है हमें महसूस होती है, क्योंकि अगर आज हम युवा पीढ़ी अगर नहीं जगे, आज हम अपने हक अधिकार, अपने इतिहास के विषय में अगर हम नहीं बोले, नहीं लिखे, तो आने वाला जो भविष्य होगा बहुत ही हम सभी के लिए निराशजनक होगा, और निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी होगी हम सभी युवा साथियों के ऊपर, हम सभी समाज के जो कर्जदार हैं उनके ऊपर तरस खाएगी कि हमारे जो अगुआ थे उनके पास समय था लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए कुछ करके नहीं किया। तो इस जीएसयू के माध्यम से, जीएसयू संगठन के माध्यम से हमें यह मौका मिला है, हमें यह जिम्मेदारी मिली है कि हम अपनी जिम्मेदारी को बेखूबी ढंग से निर्वहन करते हुए आने वाले भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को नई एक अच्छी मुकाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, और जो हमारे जो इतिहासों को छुपाया जा रहा है, हमारे जो संस्कृति, सभ्यता, भाषा को जो विलुप्त करने की जिस तरह से साजिश रची जा रही है, उन सारी चीजों से हमें सजग होते हुए हमें एक अपने जो इतिहास है, अपने जो प्रकृतिवादी इतिहास है उसको लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। आज हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वीर क्रांतिकारी थे, सपूत थे, चाहे मैं उनको वीर नारायण सिंह कहूँ, रानी दुर्गावती कहूँ, बिरसा मुंडा कहूँ, सिद्धू कानू कहूँ, नीलांबर पीतांबर कहूँ, चांद भैरव कहूँ, विभिन्न प्रकार के हमारे विभिन्न जो हमारे शहीद थे, हमारे वीरांगनाएं थी, वे अपने समय में अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़े और हमें आज यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो
वे अपने समय में अपने तरीके से अपने जो बाहुबल के सहारे जिस तरीके से विरोधियों के दांत खट्टे किए, आज स्थिति और परिस्थिति के आधार पर हमें बाहुबल तो नहीं लेकिन हम अपनी जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, चाहे वो लिखने के क्षेत्र हो, बोलने के क्षेत्र हो, इसमें हमें काम करके हमें समाज को एक नई दिशा देने की आवश्यकता और लड़ाई लड़ने की आवश्यकता महसूस होती है। झारखंड के एक प्रसिद्ध जो हमारे राइटर हैं, लेखक हैं, वे कहते हैं कि अभी वर्तमान परिस्थिति में आदिवासियों को जो अपनी कलम, कुची, कैमरा और कंप्यूटर को अपना हथियार बनाते हुए अपने विरोधियों से लड़ने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कितनी दूरदर्शी जो हैं हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो शहीद थे, उनसे जिस तरह प्रेरणा लेकर हमें आज अपनी जो ताकत जो बनाने थे, अपना जो हथियार बनाने की आवश्यकता है, कलम और कुची, कैमरा और कंप्यूटर को जिस तरीके से बात कहे हैं उनको आवश्यकता है, उसको हथियार बनाने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी आवाज के विषय में जिस कहा जाता है, यदि कोई भी व्यक्ति अगर भूखा हो, जब तक वो मांगेगा नहीं तो मिलेगा नहीं, आज स्थिति वही है। हमारे लोग जो हैं शुरू से ही प्रकृति के सामने रहने सीखा, वे हमेशा जो पेड़ पौधे से बढ़ना सीखा, जो पशु पक्षी थे उनसे बोलना सीखा, और जो प्रकृति थे उन्हीं से चलना, जीना, खाना पीना सीखा। इसके वजह से कहीं भी उन्हें जो है सवाल करने का मौका नहीं मिला, और जिसके वजह से आज हमारे लोगों में सवाल करने के जो शब्द होते हैं बहुत कम दिखाई मिलते हैं। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, आज किसी भी अधिकार, किसी भी भूखा व्यक्ति जब तक अपना भूख को भरने के लिए, अपना पेट को भरने के लिए जब तक मांगेगा नहीं तो मिलेगा नहीं, उसी प्रकार आज भी हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, हमारे आदिवासी मूल निवासी भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार के हक अधिकार संविधान के माध्यम से दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं उतने सारे अधिकार मिलने के बावजूद भी हमारे लोग उनके विषय में जानकारी नहीं होने की वजह से, या कहें बोल नहीं पाने की वजह से, हम उनसे जो अछूता रह गए हैं। इसलिए हम सभी साथियों को, हम सभी युवा क्रांतिकारी साथियों को आज बोलने के साथ साथ में लिखने की आवश्यकता है, तर्क करने की आवश्यकता है, ताकि हम जिस तरीके से मनुवादी विचारधारा कहें या फिर प्रभुवादी विचारधारा के लोग कहें, जिस तरीके से हमें मनगढ़ंत कहानी के जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हुए हमें अपने जाल में बंधाने का प्रयास करते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और हमारे जो आदिवासी का जो प्रकृति वादी आधारित जो समाज का जो हम लोग गढ़ रखना चाहते हैं, जो गठन करना चाहते हैं, उसको हम एक सही मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। और हम अपने जो पूर्वज थे, जो हमारे प्रेरणा स्रोत दादा हीरा सिंह मरकाम कहें, मोतीरावन कंगाली कहें, चाहे इसी प्रकार के अन्य जो हमारे मार्गदर्शक अगुआ कहें, उनके सपनों को साकार कर पाएंगे। और निश्चित रूप से हमारा इस जीएसयू संगठन ही हम सभी गोंडवाना आंदोलन का एक भविष्य दिखता है, ताकि आने वाले समय में यही जीएसयू संगठन विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न गांव मोहल्लों तक पहुंचकर जो गोंडवाना के जो आंदोलन है उसको एक नई दिशा देने का काम करेगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सभी युवा साथी, युवा क्रांतिकारी साथी इस कदम को आगे बढ़ाएंगे और भरसक हमारे जो पूर्वज हैं उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज जो हम इस मंच के माध्यम से, इस जीएसयू के माध्यम से, जो जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों से जिस तरह हमें बात करने का, संवाद करने का मौका मिला है, इससे एक चीज तो साबित हो चुकी है कि हम सभी युवा साथी अपने भविष्य के लिए, अपने पूर्वज के जो इतिहास है, उनके जो सपना था, उसके लिए हम लोग सजग हो चुके हैं, सतर्क हो चुके हैं, और हम उसको एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो हमें देर न करते हुए अपने जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति पे हैं, हमें अपने आप को आगे बढ़ने और अपने समाज को एक नई दिशा देने के लिए आगे आके अपना हाथ बटाने की आवश्यकता है, और ताकि हम आने वाले भविष्य को एक सुंदर सपनों के साथ सजा सकते हैं और अपने पीढ़ी को एक नई दुनिया की तरह, अपने जो हमारे पूर्वज के जो सपने थे उन सपनों को हम लोग दे पाएंगे। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे बहुत सारे अतिथि, हमारे साथ बहुत सारे हमारे मार्गदर्शन जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप सबों को झारखंड की क्रांतिकारी धरती की ओर से और गोंडवाना छात्र संघ झारखंड की ओर से आप सभी क्रांतिकारी साथियों को, आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः सेवा 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 जोहार। और एक बार पुनः मैं चाहूंगा कि इसी जोश और खरोश के साथ आज जो इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी प्रण लीजिए, आप सभी शपथ लीजिए और गोंडवाना आंदोलन के जो हमारे पूर्वजों का, हमारे जो मार्गदर्शकों का अगर सपना था, उसको सपना को साकार करने के लिए हम इसी तरह से अपना जो सहयोग है, समर्थन है, उसको इसी तरह बरकरार रखते हुए आगे बढ़ाने का
कष्ट करेंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। सेवा जोहार अनुज मिश्रा जी, आपने अभी बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात रखी, जो बात खोली, वो हम सभी के लिए, युवाओं के लिए बड़ा बहुत प्रेरणादायी है, बहुत ऊर्जावान है। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस लाइव में हमारे साथ आदरणीय संबल सिंह मरकाम जी भी जुड़ चुके हैं और गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदेश, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रताप कुलस्ती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं आगे की बात के लिए आदरणीय जो हमारे बीच उपस्थित हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय गणेश मांझी जी, जिनका काफ़ी मार्गदर्शन रहता है गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन को, जिन्होंने काफ़ी बौद्धिकता दी है, जिन्होंने काफ़ी मार्ग दिखाया है। मैं आदरणीय प्रोफेसर साहब गणेश मांझी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आप सभी के सामने गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के स्थापना दिवस पर अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर गणेश मांझी जी। जेएसयू टीम को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, जो हम आप लोगों ने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तमाम साथियों को, भारत ही नहीं पूरे दुनिया के जो हमारे साथी हैं, जो किसी ना किसी प्रकार से गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन या फिर उनका जो दर्शन है या फिर उनका जो सोच है, उनसे जो कोई भी जुड़े हुए, सबों को मेरा सेवा जोहार। सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी बातों को रखूं यहाँ पर, लेकिन जब कभी भी मेरी बात हुई है छात्रों से तो मैं हमेशा जो है उनको सबसे पहले अपना जो करियर है, अपना जो शिक्षा है, उधर ध्यान देने के लिए बात कही है। और सबसे पहले मैं उसी दिशा में बात करूंगा और ये बात मैं पहले भी रखता रहा हूँ। अबोरिजिन स्टूडियो के थ्रू भी बात हुई है और अक्सर मैं देखता हूँ कि यूथ लोगों में जोश, जज्बा काम करने का बहुत रहता है और वो लोग जो है समाज सेवा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। जस्ट ए मोमेंट। माफी चाहते हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं शिक्षा की ही बात करूंगा और शिक्षा के मॉडल को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। शायद अबोरिजिन स्टूडियो में बात करने के बाद जो महाराष्ट्र के जो हमारे साथी लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि किस तरीके से शिक्षा का अलख जो है गाँव गाँव में हम लोग जगा सकते हैं घोटुल के थ्रू या धुमकुड़िया के थ्रू। तो मुझे लगता है कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो है, जिसमें कि छात्र लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनको मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप जो है अपने पंखों को मजबूत करिए, अपने डैनों को मजबूत करिए। पंख और डैना का काम ही होता है उड़ना, और जिस दिन मजबूत हो जाएगा, उस जिस दिन आप फील करने लगेंगे कि आप घोंसले से उड़ सकते हैं, तो वो उड़ान अपने आप भरा जाएगा। इसलिए समय से पहले आप जो है घोंसले से उड़ने की कोशिश मत करिए। समय से पहले घोंसले से उड़ने की कोशिश करने में जो है हो सकता है आपके पंख मजबूत ना हो तो आप जो है जमीन पर गिरेंगे, हो सकता है डैने टूटेंगे, हो सकता है टांग टूटेंगे या फिर हो सकता है आप पूंछ टूटेंगे। तो सबसे पहले डैना मजबूत कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको इतना मजबूत होना है शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, कि किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आप खुद ही मजबूत होंगे और जब आप खुद ही मजबूत होंगे
तो आ, 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 शक्ति मिलेगी, और शक्ति मिलेगी तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसमें एक जो खास बात है वो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी विचारधारा हमारे देश में है, चाहे विश्व में भी है, उस विचारधारा से जो कुछ भी बात निकल कर आती है, जो कुछ भी एक्शन और जो कुछ भी उनका तो लेख आता है, उसको हम डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट कन्फ्रंट मतलब हम उसको वहीं पर जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसपे मेरा कहना यह है कि जो है आप जो भी दूसरे आइडियोलॉजी हैं, उस पक्ष को समझिए सबसे पहले कि वो क्या कहना चाह रहा है और उनका मुख्य जो है आइडियोलॉजी क्या है। उसके बाद जो है उसको, जरूरी नहीं है कि आप जहां पर कहा जा रहा है वहीं पर उसको अप्रोच करना है, वहीं पर तोड़ना है, उसको अलग तरीके से तोड़ा जा सकता है, अलग तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो है पंखों को मजबूत करिए। और जैसे कि आप डैम जो बना होता है, तो डैम का जो मेड़ होता है वो सबसे मजबूत जो है बीच में होता है। अक्सर हम ये करने की कोशिश करते हैं कि जो है एक डैम को एक विचारधारा की तरह सोचिए और आप उस विचारधारा को तोड़ना चाहते हैं, तो डैम को जो है बीच से अगर तोड़ने की कोशिश करिएगा तो डैम नहीं टूटेगा। सबसे पहले जिस नदी पे जो डैम बना है वो नदी के किनारे किनारे को ऑब्जर्व करिए, आप उसको देखिए और किनारे किनारे को तोड़ने के लिए कोशिश करिए, चौड़ा करिए और किनारे से उसको तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक मजबूती नदी जिधर से आ रही है वहां से आप शुरू करेंगे और ज्यादा बहाव पानी आएगा, उसके साथ डैम के टूटने की संभावना बनती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पंखों को मजबूत करिए और सबसे पहले अपने शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए। उसके लिए मैंने जो पहले भी कहा है कि घोटुल जो गोंड लोगों के बीच प्रचलित है, धुमकुड़िया जो उराव लोगों के बीच प्रचलित है, या फिर दूसरे आदिवासी समुदायों के बीच में जो इंस्टीट्यूशन जो था, पुराना जो इंस्टीट्यूशन था, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक इंस्टीट्यूशन था, उसको आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ने की जरूरत है। उसी में हम एक जो है हम लोग नारा डेवलप किए हैं कि प्रत्येक गांव में घोटुल खुले और प्रत्येक गांव में धुमकुड़िया खुले और उन सारे जगहों पे जो है लाइब्रेरी खुले और लाइब्रेरी हर एक गाँव में खुलेगा तो जो है जस्ट सॉरी तो जब हर एक गांव में लाइब्रेरी खुलेगी और बड़े बच्चे जो है छोटे बच्चों को गणित पढ़ाएंगे, गोंडी पढ़ाएंगे, जैसे निशा ध्रुवे जी कर रही हैं काम गोंडी पढ़ाने का, उसी तरीके से गणित पढ़ाया जा सकता है। कोई हमारा साथी मान लेते हैं कि जो है लंदन में है और चाहता है कि अपने समाज के बच्चों के लोग कुछ दे सके, तो लॉकडाउन तो एक बहुत अच्छा मौका है जिसको कि हमारी भारत सरकार कह भी रही है कि मौका मतलब अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो अगर हमारे बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, गांव से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं अभी की स्थिति में, और जब स्कूल जा भी पाएंगे और खुल भी जाएगा तब भी हम उनको जो है ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा जब घोटुल खुलेगा, धुमकुड़िया खुलेगा, सेलनेडिंगो खुलेगा या फिर गितियोड़ा खुलेगा या फिर इसी प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन है किसी आदिवासी समुदाय में, इस प्रकार का अगर नाम नहीं है तो सिर्फ लाइब्रेरी खोलिए और लाइब्रेरी को जो है टेक्नोलॉजी से जोड़िए, इंटरनेट से जोड़िए, और जो साथी लोग आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, आर्थिक रूप से मदद करेंगे लाइब्रेरी पुस्तकालय बनने में, बनाने में, और जो बच्चे जो 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 लोग आगे बढ़ चुके हैं शैक्षणिक रूप से, अच्छे जगह में जॉब कर रहे हैं, संडे संडे को समय निकाल सकते हैं, एक घंटा हमारे बच्चों को गणित और इंग्लिश पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, तो ये मॉडल मुझे लगता है कि जीएसयू को अडॉप्ट करना चाहिए। और जो डैम वाला जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की कि सबसे पहले आप जो है मजबूत कहाँ से हो रहे हैं, शिक्षा के तौर पर इस प्रकार से आप मजबूत होंगे और सबसे पहले यहाँ काम करने की जरूरत है। और राजनीति के बारे में मैं आज कम बात करूंगा चूंकि प्लेटफॉर्म है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, वो जो भी इसको मतलब आगे ले जाने की जो आप लोगों की टीम है उसमें बेहतर आप लोग डिस्कस करते हैं,
लेकिन वो एक आउटकम है, वो परिणाम है, लेकिन परिणाम से पहले हमें जो 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 रिसोर्सेज हैं, जो काम हम कर सकते हैं, उसको पहले करने की जरूरत है। और ज्ञान आपको कहीं से भी मिले, वो ज्ञान आप लीजिए और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है कि जो है इन लोगों का किताब नहीं पढ़ना चाहिए, फला का किताब नहीं पढ़ना चाहिए, फला समुदाय, फलाना धर्म और फला पार्टी का जो एजेंडा नहीं पढ़ना चाहिए, किताब नहीं पढ़ना चाहिए। हर चीज पढ़िए, हर चीज समझिए और उन सब चीजों की तुलना में आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में कैसे रख पाते हैं, वहां पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि ऋग्वेदा में कहा गया है कि जो है लेट द गुड थिंग्स कम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, मतलब अच्छी चीजों अच्छी चीजें जो आपके पास आ रही है, चाहे किसी भी दिशा से आ रही हो, उसको जो है स्वागत करिए और उसको फिल्टर करिए और अच्छी चीज को लीजिए और उसके बाद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करिए, कोई हर्ज नहीं है। और देखिएगा कि कहा जाता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय स्कूल के जो करिकुलम है उसमें संस्कृत डाला गया, तो बहुत सारे जो दलित समुदाय के साथी लोग थे अंबेडकर जी के, उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया कि संस्कृत तो सदियों से हमें गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर हम संस्कृत क्यों पढ़ें। तो अंबेडकर जी की सोच थी कि जब तक जो है आपके ओपोनेंट, आपके दुश्मन के जो किताब है उसको आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप समझेंगे कि नहीं किस वजह से वो आपका शोषण कर। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान किसी भी दिशा से आ रहा हो उसको आप लोग समझें, पढ़ें और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लाइब्रेरी की बात मैंने बता दिया और मैं चाहूंगा कि तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा हो सके आप लोग उसका बेहतर इस्तेमाल करिए। अभी के समय में आप देखेंगे कि आईटी सेल जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का है, मैंने कहता हूं कि आप आईटी सेल ही बनाइए और तुरंत लड़ाई में भिड़ जाइए। मैं ये कहता हूं कि जो है जूम का इस्तेमाल या फिर स्ट्रीम यार्ड का इस्तेमाल आप जो है अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, गणित पढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार दूसरे जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। जो हमारे साथ इंजीनियर हैं वो लोग इन सब चीजों के बारे में बेहतर जानते हैं, लेकिन बस ये एक आइडिया है जिसको कि आप आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बात जैसे कि देखेंगे आप बहुत आप लोग सुने होंगे संस्कृत में जो एक बात कही गई है, विद्या ददाति विनयम विन्याति आति पात्रताम, पात्रत्व धन माप्नोति धनार्थम आतता सुखम। तो मनुष्य की क्या समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुरंत वो सुख पाना चाहता है। हम में जो है धैर्य की कमी है, हम तुरंत परिणाम पे पहुंच जाते हैं, हम तुरंत चाहते हैं कि हमारे पास एक कार हो, हम तुरंत चाहते हैं कि हमारे पास 2 BHK का हाउस हो, उसके लिए तरीका चाहे शॉर्टकट ही अपनाना क्यों ना पड़े। मैं कहता हूं कि ये जो संस्कृत में जो बात कही गई है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना और एक जगह पे भरपूर मेहनत करना। विद्या ददाति विनयम, मतलब विद्या जो ग्रहण होता है उसमें काफी मेहनत लगता है। पहले जमाने में कहा जाता था कि जो है विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं, आजकल क्या कहा जाता है कि पढ़ाई इसलिए होती है कि कुछ नौकरी किया जा सके। मतलब इसको डिटेल में आप सोच के समझ सकते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है। विद्या जब ग्रहण आप पूर्ण कर लेते हैं तो उसका अंतिम लक्ष्य विद्या ग्रहण करना होता है और उस विद्या से किसी ना किसी तरीके से आपका पेट भरता ही भरता है, लेकिन आप फोकस पेट पर नहीं करते हैं, आप खाने पर नहीं करते हैं, लेकिन विद्या ग्रहण पर करते हैं। आजकल धीरे धीरे जो है विद्या और शिक्षा का जो फोकस है वो पेट की तरफ जा रहा है और किसी ना किसी तरीके से देखा जाए तो ये वर्तमान समय की जरूरत भी है। लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे छात्रों में अक्सर कमी रहती है धैर्य की, पेशेंस की, उसको बनाए रखें और जो है अग्रसोची आप जरूर हों। आपका लाइफ में कुछ इस तरीके से प्लान करिए कि प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, प्लान डी क्या है। इस तरीके से अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी पे काम करिए, प्लान बी काम नहीं किया तो दुखी होकर मरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लान सी पे काम करिए, प्लान डी पे काम करिए। हर एक व्यक्ति के पास जो है इंडिया में लगभग 70 सालों की उम्र है, तो 70 सालों की उम्र में कम से कम
जब विद्या ग्रहण करने का जो समय है उसमें धैर्य रखिए और काम करिए, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी जो कमी है अभी के समय में वो है धैर्य की। हम तुरंत पाना चाहते हैं हर चीज, और इसकी वजह से बहुत सारे दूसरे किस्म की समस्याओं में भी हम फंस जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं गांव में कि ठीक है 10th पास किया या फिर 12वीं फेल हो गया तो जो है आजकल एक नेटवर्किंग बिजनेस आ गया है, उसी में शुरू हो जाते हैं। मैं नेटवर्किंग बिजनेस के खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है, वो जो कैसे फंक्शन करता है वो मुझे पता है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं और थोड़ा बहुत बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीजें भी पढ़ाता हूं बच्चों को। तो क्या होता है, मेरा जैसा व्यक्ति दिल्ली में कहीं बैठा होगा, मुंबई में कहीं बैठा होगा, एक बिजनेस डिजाइन करता है, 3 मेंबर बनाओ, धीरे धीरे वो जो है गांव में जाके खत्म हो जाता है। गांव के बाद किसको मेंबर बनाएंगे आप? सारा गांव का पैसा शहर में आ गया, बिजनेस वहीं पर खत्म हो जाता है। और गांव का पैसा शहर में आने के बाद जो भी पोटली होती है वो बांध के बंदा निकल लेता है। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विनयाति आती पात्रता। विनय विद्या से विनय, विनय से पात्रता आती है, मतलब आप एलिजिबल होते हैं। पात्रता के बाद आप धन की प्राप्ति करते हैं और धन की प्राप्ति के बाद आप सुख की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आजकल हम लोग ज्यादा फोकस किस पे देते हैं? सुख पे। 7 घंटे की नींद कंप्लीट नहीं हो पाई तो हम परेशान हो जाते हैं। युवा को तो इतना काम करना चाहिए कि ऐसा सपने देखने चाहिए कि उसको नींद ना आए। ऐसा काम कर दो, 70 साल की जिंदगी आपकी भी है, 70 साल की जिंदगी 135 करोड़ लोगों की भी है, लेकिन बाकी 135 करोड़ माइनस वन इंडिविजुअल जो है अच्छा करने लगते हैं लाइफ में, या फिर मान लेते हैं 50 करोड़ लोग भी अच्छा काम करने लग जाते हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके सपनों में जान नहीं होती, आप उतना मेहनत नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को, हर हम लोगों को जो है नौकरी की ओर भागने की जरूरत नहीं है। अभी का समय बदल गया है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी मतलब चीजें जो है बाजार तय करेंगी, हर चीज सरकार तय नहीं करेगी, हर चीज आप तय नहीं करेंगे। जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो बेचने वाला है, कितने में बेचना चाहता है, कौन कितने में खरीदना चाहता है, कितनी मांग है, कितनी पूर्ति है, उसी के आधार पर चीजें तय हो रही है। तो ऐसी समय में आप देखेंगे कि सरकार जो है धीरे धीरे अपने हाथों हाथ खाली कर रही है और जो है प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप कहाँ पर हैं, किन किन चीजों को आप रोक पा रहे हैं, किन किन चीजों को आप रोकने में समर्थ हैं, किन किन चीजों को आप रोक पाने में असमर्थ हैं। बहुधा आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने जब सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी मतलब समाजवादी व्यवस्था की जो संकल्पना की थी, उसी की सरकार 1980-90 के आते आते सोशलिज्म कॉन्सेप्ट वही रहा प्लानिंग में भी, लेकिन धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था पे काम करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। उसी तरीके से जैसे चाइनीज गवर्नमेंट काम कर रही थी। चाइनीज गवर्नमेंट अपने आप को समाजवादी कहती है, अपने आप को कम्युनिस्ट कहती है, लेकिन उसके सारे फंक्शन जो है, उसके सारे कार्य करने के तरीके जो है और परिणाम जो है पूंजीवादी है। तो ठीक है, आप जो है खाल किसी और का ओढ़ लिए हैं, लेकिन आपके सारे फंक्शन जो है किसी और तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा हम कहां पर हैं। और दूसरी बात यहां से निकल कर ये आती है कि आदिवासी समाज, कोयतूर समाज कहां पर है, और जहां पर है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था अभी भी जिंदा है? अगर जिंदा है तो किस रूप में है? क्या हम और आप स्वार्थ नहीं है? हम कितने अपने आदिवासी भाइयों और कितने कोयतूर भाइयों जो गांव देहात में रह रहे हैं उनका ख्याल करते हैं? कितने लोगों का फीस दे पाते हैं? कितने लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर पाते हैं? कितने लोगों को किताबें देते हैं? तो वो जमाना अभी भी गांव में मैं नजर आता है कि मेरे घर में आज सब्जी नहीं बनी है तो मैं पड़ोस के घर से कोई दाल, कोई आलू की सब्जी ले आया, कोई जो है सब्जी ले आया, साग ले आया और अपना लंच कर लिया, अपना डिनर कर लिया। अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें ब्रेक हो रही हैं। तो ये जो चीजें ब्रेक हो रही हैं, इसको आप बेहतर कैसे बना सकते हैं? टूट रहा है वो बेहतर के लिए टूट रहा है या फिर बदतर के लिए टूट रहा है? बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव के लिए
अच्छे बदलाव के लिए टूटना चीजों का जरूरी है, गलत बदलाव के लिए चीजों का टूटना गड़बड़ अच्छी बात नहीं है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि ठीक है, हम चीजों को समझते हैं, हमारा समाज अभी भी समाजवादी व्यवस्था में जी रहा है, लेकिन उस चीज को सस्टेन करने के लिए हमारे जैसे लोग, जो हम आपके जैसे लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दो चार पैसे आ रहे हैं, उन सब चीजों का कुछ हिस्सा हम अपने समाज के बेहतरी के लिए कर सकते हैं क्या? कितना परसेंट दान दे सकते हैं? इस्लाम में भी कहा जाता है कि आप अपने कमाई का 20-25% हिस्सा जो है दान करें, अपने समाज में लोगों की भलाई में और मानव कल्याण में लगाएं। गोंडवाना समाज, आदिवासी समाज, कोयतूर समाज कितना लगा रहा है, कितना लगा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सबों से सवाल है। तमाम छात्रों से मैं कहूंगा कि आप सवाल पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने आपके समाज के सर्टिफिकेट के बदौलत नौकरी की है, लेकिन अभी समाज को कितना दे रहे हैं। ये सवाल आप जरूर पूछिए, हर जगह पूछिए और खुद भी अपने अंदर ढूंढिए इन 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 सब चीजों के जवाब जो है। और एक बात मैं कहूंगा कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, मुझे लगता है कि एक जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, उसको समझिए कि जो मैं बात कहता हूं वो बात कहां तक पहुंचती है, कितने लोगों के दिमाग में घुसती है और वो क्यों घुसनी चाहिए। आप सोचेंगे कि मोदी जी ने चाय का जो कॉन्सेप्ट लाया, चाय बेचने वाला कॉन्सेप्ट, ये क्या है? वो चाहता ही था कि लोग चाय पे चर्चा करें, ये प्लान्ड था। आजकल का जो राजनीतिज्ञ है, आजकल का जो व्यक्ति, जो पब्लिक फिगर है, वो यूं ही कोई भी बात नहीं कह देता है और जनता उस पर पिल पड़ता है चर्चा करने के लिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यो कोई बात ऐसे ही नहीं निकल जाती है, सारी चीजें प्लान्ड होती है। इसको साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट में कहा जाता है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे से बात कहीं और लेकर जाना है, आप चाहते हैं कि जो है लोग रोजगार की बात ना करें, फार्मिंग बिल की बात ना करें, इसलिए आप छेड़ दीजिए, खालिस्तान की बात छेड़ दीजिए, आप जो है आतंकवादी घटनाओं के बारे में बात छेड़ दीजिए, तो ये इसको कहते हैं रेड हेरिंग। चलिए, तो रेड हेरिंग वाली बात होगी। इसके पहले जो मैं बात चर्चा कर रहा था उसको कहते हैं फ्रेमिंग। फ्रेमिंग में क्या होता है? फ्रेमिंग में ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं वो बात हर किसी के जुबा पे हो, वो चर्चा करें, चाय पे चर्चा हो। हमारे जो 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 मोदी जी हैं, चाय की बात हो रही थी, पहले चाय बेचते थे की बात हो रही थी, हर व्यक्ति के जुबा तक पहुंच गई, लेकिन किसी को नहीं पता कि उन्होंने चाय बेचा या नहीं बेचा। तो ये साइकोलॉजी पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, चाय के साथ पकौड़ा आ गया बाद में, क्योंकि वो चाहते ही थे कि इस पे लोग चर्चा करें। ठीक है, अब मुद्दे पे आता हूं मैं। गोंडवाना जो शब्द है, इसको मैं चाहता हूं कि गोंड समाज, कोयतूर समाज जो है सिर्फ अपने तक ना रखे। मुझे लगता है गोंड समाज के लिए इस्तेमाल इसको करना चाहिए पर्टिकुलरली। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बृहत जो गोंडवाना जो भूभाग है वो वाला कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली बात कही। आप ये मत सोचिए कि उसने ये बोला तो मुझे क्या जवाब देना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को फोकस इस बात पे करनी चाहिए कि अपनी जो बात है उसको बार बार आप रिपीट करिए। अक्सर मैं ये देखता हूं कि गोंडवाना जो शब्द है उसको सिर्फ गोंड लोगों तक सीमित कर दिया जाता है। जिस दिन आप गोंडवाना भूभाग की जब आप बात करेंगे और जन जन तक पहुंचेगा, उस दिन चीजें बदलेंगी। इस बात को ध्यान रखिए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रेमिंग, मतलब फ्रेम आप कैसा कर रहे हैं। फ्रेम मतलब अभी के समय में आप चाहते क्या है कि लोग किस बात पे चर्चा करें, 5 साल बाद लोग किस बात पे चर्चा करें, 10 साल बाद लोग किस बात पे चर्चा करें, 100 साल बाद लोग किस बात की चर्चा करें, 1000 साल बाद लोग किस बात की चर्चा करें।
इसके बारे में सोचिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ओवर टाइम समय के साथ चीजें कैसी बदलेंगी और उस समय के साथ जो चीजें बदलेंगी वो क्या आपके अनुसार बदल रही है या किसी और के अनुसार बदल रही है, आपकी कही हुई बात के अनुसार बदल रही है, आपकी लिखी हुई चीजों के अनुसार बात बदल रही है या किसी और की कही हुई या लिखी हुई चीजों के अनुसार बात बदल रही है। मरकाम दादा कहा करते थे कि मैं भूल गया उनका एग्जैक्ट जो सेंटेंस है वो क्या था, लेकिन कुछ इस तरीके से था कि जो जिंदा मनुष्य होता है वो हमेशा धारा के विपरीत चलने की कोशिश करता है। नदी पार करके देखिए खुले पैर, आप उल्टा खड़ा नहीं होते हैं, धारा जिधर से आ रही है उधर आप मुंह करके तिरछे तरीके से पार होते हैं, सीधे तरीके से भी पार नहीं होते, और मुर्दा धारा के दिशा में ही बहता है। तो यही सब बातें हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा की जा सकती है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे जो युवा साथी जब तैयार होंगे सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए, गाँव गाँव ये लोग जब काम करेंगे तब इन सब चीजों पर चर्चा होगी। फिलहाल जैसे मैं कह रहा था कि विंग मजबूत करना, मतलब गांव गांव घोटुल और एजुकेशन पे आप लोग ध्यान दीजिए, और जो मैं कह रहा था कि जो है हर व्यक्ति जो आत्मनिर्भर की जो बातें अभी की जा रही हैं और हर एक व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप, आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, अब व्यवसाय में आइए। एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि जब लगभग 200 ईस्वी के आसपास जूलियस सीजर का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में एक सैनिक चीफ था जो कि प्रशासनिक कंट्रोल रखता था, दूसरा व्यक्ति जो था बहुत बड़ा धनाढ्य था, बहुत संपत्ति, अकूत संपत्ति वाला था। ये तीनों के कॉम्बिनेशन, ये तीनों जो थे, जूलियस सीजर, क्रैसस और पॉम्पी, पॉम्पी जो है सैनिक प्रशासक था और क्रैसस जो है बहुत बड़ा संपत्ति वाला व्यक्ति था, और ये दोनों मिलकर जूलियस सीजर को हेल्प कर रहे थे कि किस तरीके से सत्ता हासिल की जा सकती। वही कॉन्सेप्ट अभी भी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं सोचता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि कितने जो छात्र हैं वो बिजनेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कितने जो छात्र हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ नौकरी नहीं करनी है लेकिन 10 लोगों को, 100 लोगों को, 50 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी देनी है। हम अक्सर अपने पेट के लिए सोचते हैं, उतना ही सोचकर मर जाते हैं, कहां से क्या खाक परिवर्तन होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस की दिशा में आप आगे बढ़िए, अगर सोच साफ हो तो कहीं ना कहीं से पूंजी जरूर मिल जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैं फ्रेमिंग वाली बात कर रहा हूं, अगेन मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा दूसरे जो सवाल कर रहे हैं, दूसरे जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको जवाब देने के लिए हमेशा जुबान तैयार मत रखिए, अपनी बात कहिए और अपनी बात को बार बार कहिए, वहां से चीजें परिवर्तन होता। यह है कि चर्चा वो शुरू करते हैं, उसका जवाब देते हैं, लेकिन उन्हीं की चर्चा होती है, क्योंकि हम अपनी बात तो किए नहीं ना, हम उसका जवाब देने में लग गए जिंदगी भर, हम अपनी बात कभी किए नहीं। अपनी बात कहने के लिए आपको अपने से जुड़ी हुई बात को खुद ही कहना पड़ेगा, अपने से जुड़ी हुई चीजों को खुद ही लिखना होगा। छात्र ये भी सोचें कि कितने लोग आप लोग लिखते हैं, कितने ब्लॉग लिखते हैं, कितने साथियों का जो है ट्विटर अकाउंट है, ट्वीट करिए, सीधे मुख्यमंत्री को टैग करिए, यह समस्या है हमारे यहां। आपके यहां जो मुख्यमंत्री राहत कोष, ये जो एमएलए लोगों को जो 5 करोड़ रुपये मिलते हैं, एमपी लोगों को 5 करोड़ से ज्यादा जो ज्यादा मिलते हैं मेरे ख्याल से, खर्च के लिए शायद अभी जो है खत्म कर दिया गया है, लेकिन आप उनको पूछिए, एमएलए लोगों को पूछिए कि हमारे गांव में लाइब्रेरी बनवाइए, उसी पैसे से हमारे बच्चे पढ़ेंगे। ट्विटर का इस्तेमाल करिए, ब्लॉग लिखिए, लेख लिखिए, जो है वेबसाइट वगैरह बन रहे हैं उसमें अपने लेख वगैरह भेजिए, कहीं दिक्कतें हो रही हैं लिखने में, कैसे लिखा जाता है, शब्दों को कैसे सजाया जाए, नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर हम लोग किसी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं तो हमसे जरूर चर्चा करिए, जितना हमसे हो पाएगा हम लोग
हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी बात कहिए, हमेशा दूसरे जो कह रहे हैं उसका जवाब मत दीजिए, और अपनी बात जो कहिएगा तो आपका इतिहास निकलेगा, आपका इतिहास आगे बढ़ेगा। तो इतने बातों को मैं कहना चाहता था। बाकी बातें तो होती रहेंगी और बातें कभी खत्म नहीं होती है। बहुत सारे हमारे साथी अभी अपने बातों को साझा करना चाहते हैं। आज 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस भी है और वीर नारायण सिंह जी की शहादत भी आज ही है, और जीएसयू की स्थापना जो आप लोगों ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं, और कोई साथी अगर हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं और कुछ चर्चा करना चाहते हैं चर्चा कर सकते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद, सवा जोहार आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सेवा जोहार आपका। आपने बहुत ही शानदार तरीके से मोटिवेट करते हुए हम सभी युवाओं को, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के पदाधिकारियों को और पूरे गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे सभी दर्शकों के सामने आपने अपनी बात रखी और हमें मार्गदर्शन दिया। आपके बहुत सारे पॉइंट है कि समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ना होगा, कॉर्पोरेट जगत में कदम रखना होगा, पढ़ना भी है और बच्चों को पढ़ाना भी होगा, लाइब्रेरी होटल धुमकड़िया जैसे अन्य ट्राइबल एजुकेशन सिस्टम पे भी अपने बात रखें। निश्चित ही हम सभी पर, हमारे युवाओं पर इस बात का असर पड़ेगा और पड़ा होगा। अब मैं आगे की क्रम पे मुझे लगता है किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो मैं देख लेता हूँ। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं अभी। अब आगे की क्रम पे मैं गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रताप कुलस्ते जी को आमंत्रित करता हूं। ये काफी सौभाग्य का विषय है कि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रताप कुलस्ते जी, आप आए और आप भी अपनी बात रखें। आपको पूरा देश सुनने के लिए बेताब है और हम सभी आपसे आज के दिन गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के स्थापना दिवस के दिन जो है आपसे बात सुनना चाहते हैं। प्रताप कुलस्ते जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दादा, आ रही है आवाज जी, सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी दादा। आपका स्वागत है गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में जी। आदरणीय प्रताप कुलस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरडी दादा, बहुत बहुत सेवा मान आपको। और सबसे पहले आज का जो लाइव प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो है, मैं सभी पहन शक्तियों को और जितने भी सम्मानी सगजन इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं उन सभी को एक बार तहे दिल से सेवा जोहार, और सभी को जो है आज का दिन बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। जैसा कि सबसे पहले हम वीर नारायण सोना खान जी का जो आज बलिदान दिवस के रूप में भी याद करते हैं, और आज का जो दिन 10 दिसंबर 2011 से लेकर आज तक ये 10 साल हो गए हैं, तो आज का जो दिन है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का स्थापना दिवस जो है वो वीर नारायण सोना खान जी को समर्पित करते हैं। तो इस ऐतिहासिक दिन के लिए जो है मैं सभी सगा पाड़ियों को एक बार सेवा मान करता हूं और सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि 10 साल हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जो संघर्ष था आज 10 साल हुए हैं,
10 साल पूर्ण करने के इस अवसर पर सभी को मैं एक बार दिल से और पूरे जीएसओ टीम और पूरे जीएसओ परिवार की तरफ से जो है सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज का जो ये दिन है बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी मांझी जी ने कहा कि युवाओं को किस तरीके से जो है शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ और आत्मचिंतन की तरफ और इस तरीके से जो है उनको प्रयास करते रहना चाहिए और उस तरफ सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो है मैं अभी तक जो 10 साल का जो ये हमारा कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में जो है मुझे जीएसओ के जो राष्ट्रीय टीम में जो है राष्ट्रीय पद का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद दिया गया है उस पद को ग्रहण करने के बाद जो हमारी जो टीम है जीएसओ की वो बहुत ही कारगर काम करी है। तो मैं उन सारी चीजों को जो एक बार सभी के साथ में साझा करना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर 2011 से लगातार ये आज 10 दिसंबर 2020 को हम स्थापना दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, इस कार्यकाल के दौरान जो है गुणवान स्टूडेंट यूनियन ने पूरे कोयतूर भारत में पूरे 11 राज्यों में जो है हमने स्थापित किया हुआ है इसको। 11 राज्यों में जो है पूरा गुणवान स्टूडेंट यूनियन सक्रिय रूप से काम कर रहा है और मुख्य रूप से जो मैं बता दूं, मुख्य रूप से जो है पूरे 5 राज्यों में हमने इसकी टीम बनाकर जो स्थापित कर दिया है उनमें सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आने वाले समय में जो है हम तेलंगाना, उत्तरांचल, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय इन राज्यों तक भी पहुंचने की हमारा प्रयास है। और वहां के जो युवा साथी मुझे सुन रहे हैं तो मैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि गोंडवान स्टूडेंट यूनियन से जुड़िए, क्योंकि गोंडवान स्टूडेंट यूनियन का उद्देश्य जो है एक ऐसी राज्य और ऐसी राष्ट्र की कल्पना को लेकर चल रही है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन सारे चीजों को व्यवस्थित ढंग से कोई तो भारत में स्थापित करने का एक सपना लेकर जो है पूरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लाइव मुझे देख पा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके कि गोंडवान स्टूडेंट यूनियन के विचारधारा से जुड़े। उसके बाद आगे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि अभी तक जो हमने, जैसा कि मैंने बताया कि 11 राज्यों में हमने जीएसओ को कार्यकाल को जो हमने विस्तारित किया है मुख्य रूप से 5 राज्यों में, तो वहां पर हमारी टीम जो है बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रही है। सबसे ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं शिक्षा की तरफ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार भी ऐसी होनी चाहिए जो स्वरोजगार होनी चाहिए। स्वरोजगार जो टेक्निकल फील्ड से जो ताल्लुक रखते हैं जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है नौकरी की तरफ ज्यादा आपका रुझान ना हो, मेरा एक कहना है, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकली चीजें जो आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिकली चीज अभी भी वर्तमान में कर रहा हूं। पहले भी मैंने टेक्निकल फील्ड में जो है 2 साल मैंने जॉब किया, मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन जब मैंने खुद का एक रोजगार मैंने तैयार किया तो आज जो है मैं कम से कम 3 लोगों का घर में चला पा रहा हूँ। मेरे माध्यम से जो है 3 लोगों का परिवार चल रहा है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने ऐसा काम किया है जिससे मेरे द्वारा जो है 3 लोगों को मैं परिवारों को एक 2 वक्त की रोटी के लिए मैं मतलब सक्षम हूँ, तो उन लोगों को मैं 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड करने के लिए जो है उनको मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों को मैं दे पा रहा हूँ। तो मैं सभी से निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप सभी युवा साथी जो है जो गुणवान स्टूडेंट यूनियन के जो साथी हैं, मैं सभी से और बाकी जो और साथी जो सुन पा रहे हैं जीएसओ इंडिया पेज के माध्यम से, जो फेसबुक पेज है उसके माध्यम से आप सभी जो सुन रहे हैं मुझे, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप जो है अपने आप को सशक्त बनाएं और आपका जो बौद्धिक चेतना जो है
उसको सबसे पहले मजबूत कीजिए। जब तक हमारा जो बौद्धिक चेतना अगर हमारा हमारा खुद का विकास नहीं होगा तो हम दूसरों का विकास कैसे कर सकते हैं, ये एक सवाल है। आप इस सवाल को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब तक हम खुद में परिपूर्ण नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। इसके लिए शिक्षा, जैसा कि अभी माझी जी ने कहा कि हर एक विचारधारा को पढ़ने की आवश्यकता है, हर एक किताब को पढ़ने की आवश्यकता है, हर एक जितने भी हमारे इतिहासकार रहे हैं, बड़े महान व्यक्ति जो रहे हैं पूरे भारत देश में, उनके सारे जीवनी और उनके लिखे हुए किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी अगर सब्जेक्ट की हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें सीखने को ही मिलेगा। और मैं कोशिश यही करना चाहते हैं कि उन किताबों से हमें जो है सार्थक चीजें ही निकल कर आएंगी और उन किताबों से हम अपने आप को ही मजबूत कर पाएंगे। जब हम उन चीजों का अध्ययन करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम अपने आप को किस जगह पर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसा मैं कह दूं कि जो हमारा जो कोयतूर समाज है, जो कोयतूर समाज, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम लोग जो है कोया पुनेमी विचारधारा को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। तो कोया पुनेमी विचारधारा जो है ऐसी विचारधारा है जो इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सभी का संरक्षण करती है और उनके अनुरूप चलती है, उनके साथ चलती है, प्राकृतिक के साथ चलती है। ये समझने की जरूरत है कि हमने कभी प्राकृतिक का दोहन करना नहीं चाहे, उनका संरक्षण करना ही चाहते हैं। ये कोई अपने में विचारधारा है। आप कोई अपने को अगर बताने में आऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा, तो मैं ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। आप इसका अध्ययन करें और कभी ऐसा और लाइव प्रोग्राम में अगर विस्तार से चर्चा करने का समय मिलेगा तो इसमें जरूर बताना चाहेंगे। हमारी पूरी टीम आपको इस विचारधारा को आगे बताने की कोशिश करेगी। मैं हमारे पास अभी एक, मैं फेसबुक पेज में देख रहा था और उसमें देख रहा साइट पे देख रहा था कि आज हमारा बिहार राज्य ने जो एक सार्थक काम किया है, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो हमारे कोया पुंगार मतलब बच्चे हैं, उनको जो है पढ़ने के लिए किताब उनके हाथों में थमाया है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय संचालक अभिषेक विके जी हैं, इस आज के ऐतिहासिक दिन और उन्होंने किताब जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, बच्चों को प्रोवाइड की है, उसके लिए तहे दिल से पूरे जीएसयू परिवार की तरफ से जो मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे बिहार प्रदेश को, कि आज उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया है जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो है शिक्षा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। आगे आज का जो हमारा जो कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जो ये COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए जो कार्यक्रम को पोस्टपोन करना पड़ा, तो आने वाले समय में जैसे ही COVID-19 थोड़ा सा शिथिल होगा तो हम एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज करेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम होगा, गेट टुगेदर, जो प्रोग्राम हर स्थापना दिवस और हर राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में हम लोग जो है जून के महीने में करते हैं। तो इस बार जो जून के महीने में हम लोग जो है सिंबॉलिक कार्यक्रम जो किया था, जो लाइव एक फेसबुक में था, यूट्यूब के माध्यम से भी हमने लाइव प्रोग्राम किया, उसमें भी हमें काफी सफलता मिली। ये जीएसयू इस तरीके से जो सार्थक काम है जो है बहुत कर रही है और उस काम को देखकर हमारे युवा साथी जो है बहुत प्रेरित हो रहे हैं और उससे प्रेरित होने के बाद हमसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस पूरे टीम का एक हिस्सा हूं। तो इस टीम के साथ मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है और इसकी जो विचारधारा है, पहले मेन चीज होती है विचारधारा। विचारधारा को समझना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। विचारधारा को अगर जो व्यक्ति समझ गया, जो विद्यार्थी समझ गया, तो उस विचारधारा से कभी भटकेगा नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है पूरे देश में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर जिले में, हर प्रदेश में, जो 11 प्रदेश मैंने कहा, उन सारे प्रदेशों में आज का दिन जो है ये मनाया जा रहा है और बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए।
कि आज जो हम इस दिन को सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मना पा रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है 10 साल, हमारे संगठन के लिए, हमारे परिवार के लिए 10 साल बहुत महत्वपूर्ण रहे। स्टार्ट के जो ईयर थे, हमारे शुरुआती दिन थे, जो काफी संघर्षपूर्ण रहे, अभी भी संघर्षपूर्ण है। और हमारा जो पूरा जीएसयू टीम है, विद्यार्थियों के लिए, हर कौम के लिए, हर समाज के बच्चों के लिए हमेशा तत्पर सहयोग के लिए आगे आती है। जब कोई भी समाज के हों, कोई भी कौम के हों, कोई भी धर्म के हों, इससे हमें लेना देना नहीं है। धर्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। हर समाज के लिए, जब भी कोई बच्चा, जब भी कोई स्टूडेंट अपने शिक्षा के लिए अगर संघर्ष करेगा, तो हमेशा उसके साथ जीएसयू खड़ा रहेगा। गुणवाना स्टूडेंट हमेशा उसके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, उसके पीछे और उसके साथ में खड़ा रहेगा। अगर जिस किसी इंसान को या किसी ऐसे बच्चे को अगर आपको लगता है कि हमारे यूनियन में जो गोंडवाना शब्द जुड़ा है, तो आपको लगता होगा कि यार ये गोंडों से रिलेटेड ये संगठन है, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज को जो है आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि ये जो पूरा जो लैंड है, गोंडवाना लैंड, पृथ्वी का आधा भाग, समझिएगा कि पृथ्वी का आधा भाग जो है उसका नाम है, न कि किसी जाति समुदाय के ऊपर ये नाम नहीं रखी गई है। ये पूरा एक आधा पृथ्वी, आधा पूरे ब्रह्मांड का आधा भाग का नाम है। तो उस भाग में जो रहने वाले सभी जीव और जंतु और हमारे साथ जो जितने भी समाज के लोग रहते हैं, सभी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। तो सभी इस लैंड में जब रहते हैं, तो सभी को इस शब्द से इतना विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द है बहुत बड़ा, ये राष्ट्र सूचक शब्द है, न कि किसी जाति सूचक शब्द नहीं है। आप इसको समझने की जरूरत है, ये राष्ट्र को संबोधित करता है, ना कि किसी जाति विशेष को। क्योंकि हम प्राकृतिक एक चीज है, वो किसी ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर जीव को संरक्षित नहीं करती। वो हर एक चीज इस पृथ्वी में, इस आकाश के नीचे जितने भी चीजें हैं, सब ये प्राकृतिक के साथ चलती हैं और इसमें कभी वो भेदभाव नहीं करती। तो गोंडवाना एक ऐसी ही शब्द है जो कभी किसी भी जाति कौम विशेष को ऐसा कोई भेदभाव वाली चीज नहीं है। आप इसको समझें। और अगर किसी भी ऐसे भाई को लगता है ऐसा कि ये ऐसा जाति सूचक शब्द है, तो आप कतई ना माने कि ये जाति सूचक शब्द है, राष्ट्र को संबोधित करता है और राष्ट्र सूचक शब्द है। तो मैं एक बार फिर, आज का जो दिन है उस, एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि आज का जो दिन है उस दिन को यह सभी पूरे राज्यों में जितने भी हमारे साथी जो मना रहे हैं, उनको भी एक बार फिर अपनी बात खत्म करने से पहले जो है मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज जो हम 10 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर 2020 को जो स्थापना दिवस के रूप में हम लोग जो है मना रहे हैं, उन सभी युवा साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और मैं अपनी बात को जो है मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम में भी अभी जाना है। तो मैं सभी से विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जोहार, जो मुझे आज इस पेज के माध्यम से सभी के साथ मेरा जो कुछ चिंतन जो है उसको रखने का अवसर मिला। तो मैं जीएसयू टीम को और जो आयोजन समिति है उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मुझे अपना विचार रखने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जोहार सभी को। सेवा जोहार आदरणीय प्रताप कुलस्ते जी। अभी हम सभी सुन रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी की बात। अब मैं आगे आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हमारे पास समय अब कमी और समय बढ़ता ही जा रहा है, जबलपुर से अंजना जी को, अंजना विनाती जी को, कि वो आए और चंद शब्दों में गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से अपनी बात रखें। अंजना जी जबलपुर से।
लगता है कि अंजना अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष में एक देना पड़ेगा। अंजना जी आपकी आवाज आ रही है, आप वीडियो चालू कर सकते हैं। अंजना जी, जी सर, हाँ आप अपनी बात रखिए। वीडियो चालू करना पड़ेगा, हाँ वीडियो चालू करिए अंजना जी। जी सर, अंजना जी अब आप लाइव हैं, आपको गोडवाना स्टूडेंट्स यूनियन पेज के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं, आपका स्वागत है। आप अपनी बात चंद शब्दों में रखिए, थोड़ा समय कम है। सेवा जोहार आप सभी को सर, मेरे को ज्यादा क्या बोलूं यार। क्या बोल रहा, जैसे कि हमारी संस्कृति, क्या बोलना है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल समस्या है। फर्स्ट बार है मेरे को अभी ज्यादा। कोई बात नहीं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सम्मल सिंह मरकाम जी को कि वो आए और अपना मार्गदर्शन हम सभी युवाओं के सामने अपनी बात रखें। आदरणीय सम्मल सिंह मरकाम जी, सेवा जोहार आप सभी सगजनों को। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप आपकी आवाज आ रही है दादा, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी आवाज आ रही है। सगजनों, पुनः आप सभी को जीएसयू स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी पूर्व में हमारे मार्गदर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर गणेश मांझी जी, वहीं आपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रताप कुलस्ते जी को सुना, साथ ही हमारे बेसरा जी ने भी अभी अपने विचार रखे हुए हैं। आप सभी को पुनः मैं जीएसयू स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सभी को विदित है कि आज हमारे इस माटी के लिए बलिदान देने वाले वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस भी है, तो हम इस संबंध में यही कहना चाहेंगे कि उनके इस त्याग तपस्या को हम मन में रखते हुए, उनको स्मरण करते हुए, साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है, तो जीएसयू के समस्त योद्धाओं से मैं आग्रह निवेदन और चाहूंगा कि आप सभी अपने हक अधिकारों को भी अद्यतन रूप से जानें, उनसे परिचित हों, क्योंकि जब भी आप किसी भी विषय पर वार्तालाप या परिचर्चा करेंगे, जब तक आप स्वयं के अधिकार और स्वयं के कर्तव्यों से वाकिफ नहीं होंगे, आप चर्चा में इतने निपुण और पारंगत नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी मैं आप सभी से इच्छा रखता हूँ, जैसा कि अभी जीएसयू के स्थापना के संबंध में कैसे निर्माण हुआ, कैसे यह कारवां चला, बहुत से तमाम हमारे साथियों ने इसमें कैसे अपने कंधे दर्द के साथ मिलाया और लोगों को खुशियां दी, किस प्रकार से लोगों ने एक सामाजिक व्यवस्था के लिए एक आंदोलन के हमारे साथ में जुड़ते गए और आज देश के तमाम प्रदेशों में जीएसयू को आप देख पा रहे हैं। मुझे भी हार्दिक प्रसन्नता होती है कि मैं इस संगठन का एक छोटा सा हिस्सा हूं
और आप सभी के साथ में जुड़कर अपनी बातें शेयर कर पा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीएसयू की स्थापना के कुछ जो मूल तत्व रहे हैं कि हम प्रकृति सम्मत व्यवस्थाओं को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, साथ ही कोया पुनेम को आत्मसात करते हुए व्यक्तित्व विकास भी करना है और सामाजिक विकास भी करना है, और सामाजिक विकास के साथ ही इस कोयतुर भारत के लिए अपना सर्वस्व योगदान देना है। ऐसी कामना मैं आप सभी से करता हूं और मैं समझता हूं कि जीएसयू के समस्त हमारे सभी साथी, सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम आप सभी से चाहेंगे कि हम निरंतर इस दिशा में काम करें और गतिमान हो और एक बेहतर से बेहतर भविष्य के लिए हम अपना काम करें। और जैसा कि तमाम हमारे जो सगाजन हैं, पूरा समाज आपको बड़ी उम्मीदों से देख रहा है, बहुत ही विश्वास के साथ में देख पा रहा है कि इस ऐतिहासिक भूभाग के भविष्य के रूप में जीएसयू हमारे सामने पूरी तरह से सामने में है और ऐसे ही क्रम के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी समझ पा रहे हैं कि हम इस आंदोलन के साथ में जब जुड़े हैं तो आंदोलन क्या है। सबसे पहले आंदोलन के लिए व्यक्ति को अपने कौशल और ज्ञान को अद्यतन करना पड़ेगा। जब तक आपका कौशल और ज्ञान अद्यतन नहीं होगा, हम आंदोलन की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस आंदोलन के लिए सबसे पहले आपकी अपनी अवधारणा मजबूत होनी चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। कभी कभी हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं। भ्रम इस बात का रहता है कि हमारी अवधारणा या हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है कि हम क्या हैं। यदि मेरे कोई अवधारणा है कि मैं कुया पुनेमी हूं, तो निश्चित है आप हों या हमारे सभी सगाजन हो, जो भी देखेगा निश्चित ही कहेगा कि यह कोई अपने भी व्यक्ति है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक मैं जो समझ पाता हूँ कि वह है कि अपना जो अवधारणा है, आत्म अवधारणा, वह क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी अवधारणा क्लियर नहीं होगी, हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। और इस आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है आत्म अवधारणा के जस्ट बाद में समय का प्रबंधन और प्रतिनिधित्व, कि हम समय को कैसे मैनेज करते हैं, कि हम समय की कद्र कितना कर पा रहे हैं। जीएसयू के सभी योद्धा मुझे सुन रहे हैं, साथ ही समस्त सगा समाज सभी सुन रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन और आग्रह भी करूंगा कि समय, आज समय इतना तेजी से बढ़ रहा है कि इस समय के साथ में हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमने यदि समय को पकड़ लिया, समझिए हमने भविष्य के इस कल्पना और इस निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम हमने बढ़ा लिया है। तो हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप इस दिशा में काम करेंगे। हमारे सभी जीएसयू के योद्धा इस दिशा में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं परिकल्पनाओं को जब स्थापना की परिकल्पना की गई तो हमारे पुनसाय गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी और हमारे साहित्यकार दादा डॉक्टर मोती रमण कंगाली जी, दादा सुनील सिंह ताराम जी और दादा आत्राम जी और आंदोलन को गति देने में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले दादा मनमोहन साहब वट्टी जी और तमाम जानकार योद्धाओं ने, साहित्यकारों ने इस विचारों को उत्पन्न करके हमारे सामने रखा और यही विचार आज निर्बाध गति से एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि हम यदि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए
क्योंकि लक्ष्य यदि हमारा निर्धारित नहीं है तो हम भटक जाएंगे। होता भी वही है, सबसे पहले आपको लक्ष्य नजर आनी चाहिए। यदि आपका लक्ष्य आपके सामने में है तो आप निश्चित है कि रास्ते भटकेंगे नहीं, बल्कि उस मुकाम तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं। यदि आप आंदोलन के हिस्सा हैं तो बहुत से व्यक्तियों में इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि आंदोलन में है क्या, क्योंकि आंदोलन में होता क्या है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो आंदोलन का आशय समझना पड़ेगा कि आंदोलन है क्या, वहीं उसके मूल तत्व क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं, फिर वो परिवर्तन कैसे लाता है और उसके मुख्य कारक कौन से हैं। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम इस आंदोलन की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आप सभी से चाहूँगा कि इस आंदोलन में आप सभी बिंदुओं को गौर से अध्ययन करें, जानें, समझें और उसके बाद कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि समाज आपको बहुत ही विश्वास के साथ में, उम्मीदों के साथ में देख रहा है। समाज के विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि समाज यदि आपके साथ में है तो निश्चित है कि आप उनके साथ में हैं। और हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति ही हमको स्थित्व प्रदान करती है, जब आपकी संस्कृति मजबूत होगी तो आपकी पहचान मजबूत होगी, आपका अस्तित्व मजबूत होगा, आपकी अस्मिता मजबूत होगी। इसलिए सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवहार में आपकी संस्कृति बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आप सभी को अपने में कोयतुर जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमें सुन पा रहे हैं, आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपकी कोई अपने में संस्कृति को आप मजबूत बनावें या उसके लिए प्रयास करें। और जिस प्रकार से अभी हमारे मार्गदर्शक साथियों ने हमें मार्गदर्शित किया और शिक्षा के दिशा में हम फोकस्ड हों, शिक्षा औपचारिक भी है अनौपचारिक भी है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि बेहतर भविष्य के लिए आप किस दिशा में बढ़ेंगे, किसका चयन करेंगे। क्योंकि आज समाज की रीढ़ की हड्डी हम समझ पा रहे हैं कि समाज की रीढ़ की हड्डी जो होना चाहिए था वो आज कमजोर है, इसलिए हम कभी कभी व्यथित और चिंतित भी नजर आते हैं। लेकिन जीएसयू के योद्धाओं, आप सभी से हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सगा जन जितने जुड़े हुए हैं सभी से भी कहना चाहेंगे कि अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीएसयू के हमारे जो भविष्य हैं गोंडवाना आंदोलन के, एक दिन निश्चित ही एक परिणाम, एक सकारात्मक परिणाम आपके सामने रखेंगे। धैर्य का फल मीठा होता है। अभी हमारे दिल्ली से जुड़े डॉक्टर साहब ने भी इस बात को कहा है कि हमें जल्दी नहीं करना है, धैर्य के साथ में धैर्य बनाए रखना है और काम करना है। परिवर्तन शनै शनै ही होता है, धीरे धीरे ही होता है, और आंदोलन उसके जस्ट विपरीत तात्कालिक परिवर्तन देता है। तो आंदोलन में धैर्य की भी आवश्यकता होगी, परिवर्तन तो स्वतः होगा ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम पर आप सभी ने जीएसयू की कुछ व्यवस्थाओं को जाना समझा और तमाम जानकारों से आप रूबरू हो रहे हैं। वहीं हमारे सामने भी हमारे मार्गदर्शकगण आप सभी से पुनः जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम में आप सभी को, जितने भी मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, सभी श्रोतागण, सभी सगा परिजनों को मैं जीएसयू इंडिया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सभी का आशीर्वाद हमारे जीएसयू योद्धाओं के लिए भी चाहूंगा कि आप बनाए रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने विचारों को यहां पर विराम दे रहे हैं और समस्त पेनपट्टाओं से भी हम हित करते हैं कि अपना आशीर्वाद, प्रकृति शक्ति अपना आशीर्वाद हमारे जीएसयू के योद्धाओं पर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, मार्गदर्शन दिया। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सयाम जी भी जुड़ चुके हैं और मैं आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सयाम जी से निवेदन करूंगा कि वह भी अपनी बात इस फेसबुक पेज में लाइव में अपनी बात रखें। और आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सयाम जी। सभी को, सभी सगा पाड़ियों को मेरा वीडियो ऑन कर लीजिएगा महेंद्र सयाम जी। अच्छा दादा, ये
फेसबुक लाइव में हैं आप, फेसबुक में दिख रहे हैं? जी जी, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सेवा 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 जोहार सगा पाड़ियों। मैं सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम विश्व के छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण बलिदान दिवस पर उनको सादर नमन और सादर नमन और उनके चरणों में सेवा जोहार अर्पण करता हूं। साथ ही आज जीएसयू स्थापना दिवस के इस अवसर पर आप सभी को सादर स्वागत है, सेवा जोहार है। साथियों मैं कुछ ऐसे जगह पे अभी आया हूँ कि यहाँ नेटवर्क भी उतना खास नहीं है और लाइट की व्यवस्था भी उतना कम है, तो मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए, और मैं देरी से जुड़ पाया इसके कारण भी मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। साथियों आपका जो ये सेशन रहा बहुत ही अच्छा और सार्थक अभी तक लगा मेरे को, अच्छा इवेंट अभी जा रहा है। और आप सभी सगा पाड़ियों से मैं पुनः सेवा जोहार अर्पण करते हुए मैं अपनी बात को यही रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऐसे जगह पर हूँ जहाँ मैं ज्यादा बात नहीं रख पाऊंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद महन सयाम जी, आप काफी व्यस्तताओं के बाद भी आपने अपना समय दिया और अपनी बात रखी और अपना समय गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन को दिया। अब मैं आगे के क्रम पे गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन मध्य प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्ष आदरणीय मातृशक्ति निशा ध्रुवे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और आज के कार्यक्रम के बारे में, आज के कार्यक्रम का जिनको श्रेय जाता है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की तरफ से यह कार्यक्रम होना था परंतु वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के द्वारा इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ भी इसको जोड़ा गया। मैं आदरणीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मातृशक्ति निशा ध्रुवे जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपनी बात रखें। निशा ध्रुवे जी, सबसे पहले तो सभी सगा पाड़ियों को सादर सेवा 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 जोहार। दाऊ मैं दो मिनट, मैं राजेंद्र मड़ावी जी जो है लांचीगढ़ से, सबसे पहले उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, फिर मैं बात रखूंगी। तो राजेंद्र मड़ावी जी जीएसयू बालाघाट से, जो लांचीगढ़ से लांचीगढ़ में रहते हैं, तो मैं राजेंद्र मड़ावी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आए और अपनी बात रख के। राजेंद्र जी दिख नहीं रहे हैं इसमें। दाऊ है। अच्छा। राजेंद्र मड़ावी जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आप अनम्यूट कीजिए, माइक को ऑन कीजिए, माइक को टच कीजिएगा तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। अब आ रही आवाज? हाँ हाँ आ रही है, आप अपनी बात रखिए। वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो ऑन है दो। मैं सबसे पहले प्रकृति शक्ति फाउंडेशन को सेवा जार करता हूँ। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन स्थापना दिवस 10 दिसंबर 2020 के बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नान कुपार राजेंद्र मड़ावी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिला बालाघाट सांस्कृतिक जिला उपाध्यक्ष पदस्थ हूँ। कम से कम समय में अपना कम से कम शब्दों में अपना
विचार रखना जा रहा हूँ, जो नहीं जानता उसे भी सीखना चाहता हूँ। मैं राजेंद्र जी, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं है ना? जो मैं प्रकृति के आधार पर जो गांव स्तर पर होता है, जो जितना अच्छी जानता हूँ। बालाघाट जिले में शादी विवाह की परंपरा बहुत ही अनोखी है, क्योंकि बालाघाट जिला गोंड कोयतूर क्योंकि एक प्रकृति से जुड़ी हुई है। शादी विवाह के रस्म रिवाज हेलो राजेंद्र, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है ना? हेलो, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है राजेंद्र, तो ठीक से आवाज नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे अपन, ठीक है? राजन जी के यहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, तो निशा जी, हाँ, आप ही अपनी बात रखना शुरू करें। हेलो, तो सबसे पहले सभी पेन पट्टाओं को सादर सेवा 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 जोहार, और हम सबके बीच में दिल्ली से गणेश मांझी सर, झारखंड से अनुज बिसरा दादा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप कुलस्ते दादा, और संबल दाऊ, महेंद्र सयाम दादा, राजेंद्र मड़ावी, अंजना जी, और आडे दाऊ और कमलेश दाऊ, आप सभी को सादर सेवा 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 जवार करती हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं रख पाऊंगी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं जब ज़्यादा बोल सांस फूलने लग जाती है एक्चुअली। और बहुत अच्छी बात है कि श्री वाली सर हम सब के बीच में 9 बजे जुड़ने वाले हैं। तो आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का आवाज आ रही कि नहीं हमारी? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पे सभी सगा समाज को, कोयतूर बिड़ार को बहुत बहुत बधाई और सादर सेवा 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 जोहार। और आज छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह जो दादा है, जो शहीद हुए हैं, उनको भी उनके भी चरणों में सादर सेवा 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 जोहार। और मैं क्या बताऊं, सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज है जो मेरे मन में 5-6 दिनों से खटक रही थी। तो जो हम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो परिवार है, तो इस परिवार में शिक्षा को लेके भी काम कर रहा है, संस्कृति को लेके भी काम कर रहा है, और जो सगा समाज की जो समस्या है उसको भी लेके काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो और एक सगा समाज से मैं अपील करना चाहूंगी कि जो वाकई में शिक्षा जो है बहुत कमजोर है हमारे यहाँ पे, बोलना चाहिए तो सगा समाज के बीच में,
तो सबसे पहले तो हम लोगों को शिक्षा पे वाकई में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। जो गांव स्तर के हैं बच्चे आज शिक्षा से दूर जा रहे हैं, तो शिक्षा से दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और शिक्षा से दूर जाने की सबसे बड़ी समस्या है पैसा। तो हाँ, बहुत अच्छी बात है कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन व्यवसाय की ओर भी ध्यान दे रहा है, लेकिन पूरा सगा समाज इसको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा पूरे सगा समाज को। ऐसा नहीं है कि बस गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन पे ही सारा मतलब डिपेंड रहे, पूरे सगा समाज को सोचना पड़ेगा। गणेश मांझी सर ने एक बहुत अच्छी बात बोले कि जो जॉब कर रहे हैं, जो एससी हो या एसटी, जो आरक्षित सीट से जो नौकरियां कर रहे हैं, उन सभी सगा पाड़ियों से निवेदन करेंगे कि उन बच्चों पे ध्यान दीजिए कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। जैसे एक गांव होता है, गांव से दो तीन लोग अगर नौकरी करते हैं तो वो अपने ही घर तक ही सीमित रहते हैं, बाकी गांव में मोहल्ले में क्या हो रहा है कोई पता नहीं होता। तो उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि जब आप गांव से नौकरी करने के लिए जब बाहर निकलते हैं या नौकरी करते हैं, तो आप ये ना सोचे कि बस आप अपने घर तक के ही सीमित रहे, ज्यादा नहीं तो आप गाइडलाइन ही करें, मार्गदर्शन ही दे उन बच्चों को जो पढ़ने में असमर्थ है। क्योंकि आज जब हम कहीं जाते हैं, हम लोग जैसे मनरेगा का कार्य चल रहा है, जैसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं काम करने के लिए, उनसे हम लोग पूछते हैं कि आप लोग क्यों काम करने आते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम ये पैसा इकट्ठा करेंगे तो आने वाले साल पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने पैसा ना होने के कारण एडमिशन नहीं किया है। तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन बस शिक्षा पे जो ध्यान देने वाली बात है, तो मैं यही सगा समाज से अपील करूंगी कि उन बच्चों पे आप लोग ध्यान दीजिए जो पढ़ नहीं पा रहा है। खासकर गांव स्तर में जाइए जहाँ जैसे बड़े लोग नहीं जा पाते, वोट मांगने के लिए सभी लोग जाते हैं लेकिन शिक्षा के स्तर पे कोई नहीं जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे उनके हाथों में छाले आ जाते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होते, कहीं कांटे गड़ रहा है तो कहीं ये वो पत्थर गड़ रहा है, तमाम सारी बहुत सारी समस्या है। तो खैर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में जो अन्य जो सगा समाज है, जो कोयतुर विडार है, उनको भी सोचना पड़ेगा। सोचने वाली तो बात ही है, क्योंकि आप खैर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन तो एक सभी को लेके चल ही रहा है, लेकिन अन्य सगा पाड़ियों से भी, तमाम जो संगठन है उनसे भी निवेदन है कि उन लोग भी सोचे समझे चिंतन करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी, सभी सगा पाड़ियों को सेवा 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 जोहार। और हम सबके बीच में 15 मिनट बाद सम्मानीय सूर्य वाली सर आने वाले हैं, तो आठ दाह आप ही आगे देखिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी इस मैटर पे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी आपका, आपने अपनी बात रखी, हालांकि आपकी तबीयत खराब है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन आज 10 दिसंबर अपनी स्थापना दिवस को मना रहा है। ये काफी गौरवान्वित करने वाला दिन है और ये बहुत प्रेरणादायी दिन है। हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को इस तरीके से लोगों के सामने दिखाया गया, इस तरीके से एक भय बनाया गया कि तोप के मुंह में बांध के उड़ाना, चाहे वो राजा शंकर शाह अमरावी जी हों, चाहे वो वीर नारायण सोना खान जी हों, बस्तर के राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव जी हैं, तो जिस तरीके से घेराबंदी करके एक नमूना दिखाया गया, एक प्रदर्शन दिखाया गया कि हम लोग डर जाएं, हम लोग सहम जाएं, हम लोग जवाब ना दे पाएं, हम लोग अपनी बात ना रख पाएं, लेकिन उस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। उस मानसिकता से जो जो दबी हुई मानसिकता है, जो हम अपनी बात नहीं रख पाने की मानसिकता है, जो हम अपनी बात को संकोच करने की मानसिकता है, उस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। एक उदाहरण है, आप सभी जानते हैं
कि दो बच्चे हैं यदि किसी माँ के, और उन दो बच्चों में एक बच्चा शांत रहता है और एक बच्चा ज्यादा रोता है, तो माँ हमेशा उस बच्चे को दूध पिलाती है जो ज्यादा रोता है। यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब अपनी मांगों को लेकर, जब अपनी बात को लेकर, जब आप अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी संवेदनशीलता को लेकर जब आप ज्यादा बोलेंगे, अपनी बात ज्यादा रखेंगे, तो लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर गणेश मांझी जी बता रहे थे कि गोंडवाना को जो है एक जाति सूचक शब्द बना दिया गया है, जबकि ये नहीं है। एक मोटो चलता है, मैं उस मोटो को बदलने की बात नहीं कह रहा हूं, एक लाइन चलती है, उस लाइन को मैं बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक वो परसेप्शन बना दिया जाता है, वो एक बोध बना दिया जाता है और वो एक मानसिकता बना दी जाती है। वो लाइन क्या है गोंडवाना को लेकर, कि गोंडवाना जाति सूचक शब्द नहीं है, गोंडवाना एक राष्ट्र सूचक शब्द है, ऐसा बोला जाता है। इसमें जरा सा हम थोड़ा सा बदलाव करके देखते हैं क्या होता है, कि गोंडवाना एक राष्ट्र सूचक शब्द है, जो नहीं है उसको हम क्यों बोल रहे हैं, जो नहीं है उसके बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि लोग फोकस हमेशा जो है, लोग ध्यान हमेशा जो है, जो नहीं है, जो नकारात्मक है उन चीजों पे देते हैं, जो सकारात्मक है उन चीजों पे नहीं देते। मतलब कि एक लाइन पढ़ने में आती है कि गोंडवाना जाति सूचक शब्द नहीं है, और उसकी दूसरी लाइन होती है कि गोंडवाना राष्ट्र सूचक शब्द है। तो लोगों का ज्यादा ध्यान जो जाता है ना, वो उन चीज में जाता है जो नकारात्मक है, गोंडवाना जाति सूचक नहीं है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि गोंडवाना राष्ट्र सूचक शब्द है, जो नहीं है उसके बारे में बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। गोंडवाना एक भूभाग है, हमेशा यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से अपनी बात रखेंगे, तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा एक प्रभाव पड़ता है। जो नहीं है हम उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आज के समय में और चलते आ रहा है, आप सभी जानते हैं, देखते हैं और देखते आ रहे हैं, 2021 में जो है जनगणना शुरू होने वाला है, जनगणना की बात आने वाली है। हम जो नहीं है हम उसकी बात करते हैं, एक टैगलाइन है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन जब आदिवासी हिंदू नहीं है ये नकारात्मक है और लोग इसी को इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो जब आदिवासी नहीं है तो हम इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो जब आदिवासी को आदिवासी ना बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वो क्या है, आदिवासी क्या है, उस चीज को प्रमोट करना चाहिए, उस चीज को लोगों को बताना चाहिए कि ये नहीं है, ये तो ठीक है, इसको बता रहे हैं, मतलब कि आप उसको उसी चीज से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो नहीं है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो है हम उसे बता सकते हैं कि आदिवासी क्या है। क्या आपने नहीं, क्या आप किसी को नहीं बता सकते क्या कि आदिवासी कोई दूर है, आदिवासी कोई दूर है, आदिवासी कोई अपुनेमी है, ऐसा भी तो बोला जा सकता है। तो जो नहीं है हम वो क्यों बोल रहे हैं, जो हम नहीं है वो हम क्यों बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते क्या कि आदिवासी कोई दूर है, आदिवासी कोई अपुनेमी है, ये हम नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं, ये एक सकारात्मक पक्ष है। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब की बात सुनी थी, डॉक्टर साहब की बात सुनी थी कि प्रोपोगेंडा और जो फैलाने का जो तरीका होता है, जो सूचना को फैलाने का तरीका होता है, वो आपके कितने नियंत्रण में है, उसका आप पे कितना प्रभाव पड़ता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसको वो नहीं करते हुए भी, नहीं बताते हुए भी उन चीजों को आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करते हैं। उन्होंने चाय पे चर्चा का उदाहरण, चाय पकौड़े का उदाहरण दिया। अब मैं, हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सूर्यवाली सर आ चुके हैं, और जैसा कि हम सभी को शुरू से अभी तक इंतजार था, और हम बड़ी बेसब्री से पूरे सेशन के दौरान इनका, आदरणीय डॉक्टर सूर्यवाली सर का इंतजार कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सूर्यवाली सर को आज के समय पे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप सभी गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन
कि लोग जो इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, आप सभी इनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। हमारे पिछले राष्ट्रीय अधिवेशन में रायपुर में डॉक्टर सूर्यवाली साहब का जो प्रेजेंटेशन रहा वो आज भी हमारे दिलों और दिमाग में छपा हुआ है, आज भी हमारे दिलों और दिमाग में। इसके साथ मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर सूर्यवाली सर को कि आपका मार्गदर्शन हम युवाओं के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और हम सभी के लिए बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि प्रोत्साहित करने वाला रहा है, ऊर्जावान रहा है। आप मैं बताना चाहूंगा कि आप हमेशा गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन की केवल अच्छाई के साथ साथ उन चीजों पे भी देखते ध्यान देते हैं जिन कमियों को हमको दूर करनी है, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन जिन कमियों को दूर करनी है। तो मैं आगे आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सूर्यवाली सर को कि वह आए और वह फेसबुक में जूम ऐप के माध्यम से अपनी बात रखें। सर, डॉक्टर सूर्यवाली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राज तिलक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर बिल्कुल आ रही है सर, और फेसबुक में भी आपका प्रोग्राम लाइव है सर। धन्यवाद सर जी। आप सभी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के साथियों को, भाइयों बहनों को सादर सेवा जोहार। आज हम आपके बीच में एक विशेष उद्देश्य को लेके उपस्थित हैं और यह उद्देश्य गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के स्थापना दिवस के अवसर पर जो आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है उसके लिए भी आभार व्यक्त करने का मैं समय और मौका देख रहा हूँ। साथ साथ अपनी बात भी मैं करूंगा। आज दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। आज वीर नारायण सिंह बिंझवार सोना खान का सादर दिवस है और इस अवसर पर मैं उस महान क्रांतिकारी के चरणों में अपना सादर सेवा जोहार और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के हमारे भाई बहनों से जुड़ने का एक विशेष अवसर है जहां पर मैं हमेशा से जिनके बीच में रहा हूं, जिनके साथ में अपनी बात कहता आया हूं, आज फिर से मैं उनके बीच में एक मौका मिला है अपनी बात कहने का। यह थोड़ी गंभीर चर्चा होगी और आपके बीच में जो मेरा उद्देश्य है आने का वह एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक सगा के रूप में होगा। यहाँ पर हम आपको केवल एक प्रवक्ता या एक केवल उपदेशक के रूप में नहीं रहूंगा। जितनी भी देर आप हमारे साथ जुड़े हैं, जितनी भी देर हम दोनों लोग यहाँ पर एक दूसरे के रूबरू होते रहेंगे उसमें हम अपनी कुछ बातें करेंगे। तो पहले बात हम शुरू करते हैं अपनी बात। आप जितने भी हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के हमारे लोग थे, मैं दादा हीरा सिंह मरकाम को जो आज हमारे बीच में नहीं है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको सादर सेवा जोहार करता हूं। उनके सपनों का जो संसार है जो आज हमारे सामने दिख रहा है उनके इस महान कृतित्व को सादर नमन करता हूं। हमारे बीच में दादा मोतीलाल कंगाली जो कि उस विचारधारा के लेकर के इस पूरे गोंडवाना के विचारधारा को या जिसे कहते हैं हम कोई अपने विचारधारा के संदर्भ में आपके बीच में जो कुछ भी मिजान रखे थे उसको लेकर के, हमारे बीच में महान संपादक लेखक विचारक दादा सुनील सिंह ताराम को भी सादर नमन करता हूं, उनको सेवा जोहार करता हूं कि इन विभूतियों ने जो एक कारवां खड़ा किया है, जो एक उद्देश्य दिया है हमारे जीवन को सफल बनाने का, इन सब पे हम बात करेंगे। और आज हम चर्चा शुरू करते हैं। इन तीनों विभूतियों को सादर नमन करता हूं, आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके द्वारा जो रोपित जो पौधे हमारे बीच में हैं शायद उन्हीं पौधों में से एक पौधा मैं हूं जो थोड़ा आपसे उम्र में बड़ा हो गया हूं, बस अंतर इतना ही है, मैं भी एक पौधा ही हूं। और हम सब एक बगीचे के पौधे हैं
एक गुलशन है, एक चमन है, एक बाग है, जिसमें हम सभी, किसी की हाइट थोड़ी छोटी है, कोई थोड़ा लंबा है, कोई थोड़ी ठीक ना है, कोई किसी अच्छा फूल, किसी के अंदर खुशबूदार बहुत चमकीला फूल है, कोई सफेद है, थोड़ा डल फूल है, बट हम सभी एक ही चमन के लोग हैं। और कोयापुनेमी संस्कृति में ये जो चमन है, ये कोयापुनेमी चमन है, ये संसार है, ये जो बाग है, उसमें हम सभी सगा के रूप में हैं। और सगा जब होता है तो सगा एक दुनिया का ऐसा बेहतरीन मिजान है, आप पूरी जितनी भी धार्मिक चीजें हैं पूरी विश्व में, जितने तरह के धर्म हैं, जितने तरह के संप्रदाय हैं, जितने तरह के विचारधाराएं हैं, उनमें यह सगा की विचारधारा अपने आप में सबसे उन्नत और यूनिक है, अद्वितीय है। ऐसी विचारधारा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इस सगा का मिजान जो है, यह हमारी उस कोयापुनेमी संस्कृति का मिजान है, जहां पर एक चमन में ऊंचे छोटे बड़े काले गोरे, मतलब जिस भी तरह के फूल हो सकते हैं, जिस भी तरह के पौधे आप कल्पना कर सकते हैं। जब आप जंगल के मिजान में जाते हैं, डंगुड़ का मिजान आप देखते हैं, जिसे जंगल में एक बहुत बड़ा पौधा होता है, एक छोटी सी घास भी होती है, एक घास में जो छोटे छोटे कलरफुल फूल होते हैं उनकी भी उतनी वैल्यू होती है, जो बड़ा सा पेड़ होता है उसकी वैल्यू होती है। तो दोनों में हमारा कोयापुनेमी मिजान अंतर नहीं करता है, मतलब कि आप चाहे समाज के कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, और समाज में कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, ये कोयापुनेमी समाज है, कोयतूर समाज है, जहां पर हम दोनों को एक ही बराबर में रहते हैं। और ऐसे ही, ये तो हमारे बीच के ऊंच नीच में की बात हो गई, ऐसे ही हम जब आपसी संदर्भों की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ इस मिजान में न तो जाति है, न तो धर्म है, हम क्या हैं, एक नेगी की व्यवस्था है, नेगी में भी समानता होती है। जैसे आप सीढ़ी देखते हैं, अगर सीढ़ी पट पड़ी हुई है, डंडे जब आप हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं, लाइन में जब डंडे लगे हैं, तो देखिए सभी बराबर होते हैं, लेकिन उस सीढ़ी को जब आप खड़ी कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उस सीढ़ी में असमानता हो जाती है, कोई ऊपर डंडा, कोई नीचे डंडा। लेकिन जो कोयापुनेमी सीढ़ी है वो हॉरिजॉन्टल है, समानांतर है, जिसके सभी डंडे बराबर हैं। तो आप हो या हम हो या हमारे पुरखे हो, ध्यान रखिएगा, कई लोग कभी कभी आपस में ही पुरखों को बड़ा या छोटा, या आपको छोटा या बड़ा, इस संस्कृति में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्राकृतिक व्यवस्था में सबकी उतनी ही अहमियत है, सबका उतना ही अस्तित्व है, चाहे कोई अभी इंटर पास करके आ रहा हो, और चाहे हमारी तरह या हमारे साथियों की तरह कोई बड़ी बड़ी डिग्री लेके या प्रोफेसर रीडर हो गया हो, कोई मतलब नहीं है, दोनों बराबर हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने इस अंतर को समझ लिया, कोयापुनेमी दर्शन को समझ लिया, तो आपको आगे का जो रास्ता है वो तय करना बड़ा आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम चले तो हैं बनाने कोयापुनेमी विचारधारा का संसार, कोयतूर भारत, गोंडवाना, लेकिन जो विचारधारा हमारी है वो जाति धर्म टुकड़ों में बटने वाली विचारधारा को लेकर चलें। तो जब आप किसी बड़ी चीज को बनाने चलते हैं तो मटेरियल भी उसी तरह का लेके चलना पड़ता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अगर आप साइकिल बनाने जा रहे हैं तो साइकिल के ही जरूरत के पाने, उसके टूल्स टेक्निक लेके जाने पड़ेगी। आप जो पायलट वाला जो जहाज बनाने का टूल लेके जाएंगे तो मिसमैच हो जाएगा, तो आप दोनों काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आज हमारे भी बीच में हमारे जो साथी हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो काम तो कुछ करने का चाहत और रखते हैं, लेकिन जो उनके पास असलाह है, जो टूल है, टेक्निक है, जो उनके पास दर्शन है, वो कोई और है। तो आप जब कोई दर्शन लेके चलेंगे और उस दर्शन को आप ये नहीं समझ पाएंगे कि दर्शन क्या है, तो कोयापुनेमी दर्शन में मैंने बताया कि एक सगा का मिजान है जिसमें सभी लोग बराबर हैं, नेगी का मिजान है जो आपके सहायक हैं, वो कोई छोटा बड़ा नहीं है, दूसरा। तीसरा कि जब कोयापुनेमी संस्कृत की बात करते हैं, कोयापुनेमी विचारधारा को भी लाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारा विजन, हमारा जो संगठन है, यह संगठन नहीं है। आज आपसे सभी ने अनुरोध करता हूं कि इस बात को, जितने भी हमारे भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, मैं बहुत ज्ञानी बहुत अनुभवी नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने इस छोटे से जीवन में सीखा है, वो आपसे, आपसे एक गार्जियन, एक भाई के नाते आपका यह आपसे शेयर कर रहा हूं कि जब आप किसी विचारधारा में अपने को सेट करते हैं, पाते हैं, तब क्या होता है,
आपकी जो सोच है उसी के मुताबिक होनी चाहिए। हम आप थोड़ा सा आप हमें सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे आवाज कोई दीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस इंटरप्रेट हो रहा हूं। बिल्कुल आवाज आ रही है सर आपकी, प्रॉपर आवाज आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसी विचारधारा को लेके चलते हैं तब हमें उस विचारधारा के जो सिद्धांत हैं उनको भी लेके चलना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो तीन शब्द हैं उनको, उनकी सच्चाई को बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, ग्रेजुएट भी हैं, अंडर ग्रेजुएट भी हैं, पीएचडी भी हैं, काम करने वाले जो कर रहे हैं पोस्ट पे हैं वो भी हैं, अधिकारी भी हैं, बहुत बड़ा परिवार है ये। तो गोंडवाना और स्टूडेंट और यूनियन ये तीन चीजों की जो बात आप करते हो, तो पहले हम आपको गोंडवाना का दर्शन बताते हैं। गोंडवाना जिसे आप बात करते हो, तो गोंडवाना की बात करने के लिए ये शब्द, वरना कुछ भी और स्टूडेंट, दुनिया में हजारों स्टूडेंट यूनियन हैं, आप जाके गूगल करिए आपको हजारों स्टूडेंट यूनियन मिले, आप कोई अनोखे नहीं हो और ना तो पहले हो ना तो अंतिम हो, आपसे पहले भी हजारों यूनियन स्टूडेंट यूनियन रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हजारों और लाखों स्टूडेंट यूनियन आएंगे। लेकिन गोंडवाना जब शब्द लगता है तो ये स्टूडेंट यूनियन कुछ अलग हो जाता है, आपको अंतर करना बताने लगता है कि आपकी ब्रांडिंग, जैसे आपको नाइकी का जूता पहनते हैं, रिबोक का जूता पहनते हैं, बाटा का जूता पहनते हैं, इससे क्या बताता है, जूता तो एक ही है ना, स्टूडेंट यूनियन जैसे। लेकिन जो नाइकी शब्द आया, जो रिबोक आया, क्या दिया आपको, ब्रांड दिया। ब्रांडिंग है पहचान, आइडेंटिटी देता है आपको, वो आपकी अस्मिता, आपकी इज्जत, आपकी साख देता है। अगर आप गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का बैनर लेके बात करेंगे, किसी अन्य स्टूडेंट यूनियन की विचारधारा की तरह व्यवहार करेंगे, तो आप कल्पना करिए कि जो आपके सामने वाला होगा आपके बारे में क्या राय रखेगा। जैसे मैं आपसे बताऊं कि मैं आपको रिबोक का जूता बेच रहा हूं और आपको मैं पकड़ा दूं 450 रुपए का एक फुटपाथ का जूता, तो आपको कैसा लगेगा? आपने जो उम्मीद जगाई है इस समाज में, इस प्रदेश में, इस देश में, वो उम्मीद है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की। लेकिन जब आप गोंडवाना शब्द को परे कर देते हो, स्टूडेंट अपने को समझने लगते हो और उसका यूनियन देखने लगते हो, उसको कहीं भी चपका लेते हो, वो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन नहीं होता फिर, वो स्टूडेंट यूनियन ए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक है। अब आप बी बना लेते हो गोंडवाना को हटा के, समथिंग डॉट 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 स्टूडेंट यूनियन, समथिंग डॉट 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 स्टूडेंट यूनियन, ऐसे ही कई चीजों से आप जुड़ जाते हो, तो क्या होता है, आपकी पहचान जो है गोंडवाना की पहचान खत्म हो जाती है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मात्र स्टूडेंट यूनियन नहीं है, ध्यान रखिएगा, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक विचारधारा है, एक इमोशनल भावुकता का बांड है। आपने उम्मीदें दिखाई हैं कुछ करोड़ लोगों को, कुछ लोगों को जो आपकी तरफ बहुत आसान्वित नजरों से आपको देख रहे हैं। अगर आपने उन उम्मीदों के, यह उम्मीदों का संगठन है, ये मात्र स्टूडेंट का संगठन नहीं है, माफ करिएगा, गोंडवाना जुड़ते ही आप पे बहुत सारा भार आ जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। और जब गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन होता है तो गोंडवाना की संस्कृति साथ साथ आती है, गोंडवाना की अस्मिता आती है, गोंडवाना के लोगों के अस्तित्व की बातें आती हैं। अब बात आएगी अस्तित्व और अस्मिता है क्या। अस्तित्व वो है जिसको आपकी रोजी रोटी, रोजमर्रा की जरूरतें, नौकरी पाती, शिक्षा, पोस्ट, घर द्वार, जमीन, जल जंगल जमीन, ये सब क्या है, ये सब आपके अस्तित्व की बातें हैं जिन पे आप काम करते हो। लेकिन इसी गोंडवाना के शब्द के पीछे एक और शब्द निहित है, अस्मिता, जिससे आपकी पहचान कायम होती है, आइडेंटिटी कायम होती है, आपकी साख बनती है, एक ब्रांड बनता है, जैसे रिबोक का ब्रांड है। जब आपका ब्रांडिंग हो जाती है तो उस ब्रांड से जब इतर कोई काम करते हैं, उस ब्रांड से अलग कोई काम करते हैं, तो आपकी पहचान खो जाती है। हमारे बहुत सारे जो भाई हैं, हमारे बहुत सारी बहनें जो हैं इस संगठन से जुड़े हैं, उनको लगता है वो बहुत योग्य हैं। बिल्कुल बेशक आप में योग्यता की कमी नहीं है, आप पूरे योग्यता के भरमार हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि आपकी योग्यता जो व्यक्तिगत योग्यता है वो इस जब गोंडवाना में आती है तो वो गोंडवाना हो जाती है, फिर वो आप व्यक्तिगत नहीं रहते, वो घुल जाते हैं, एक पॉट है,
गोंडवाना एक मेल्टिंग पॉट है, जैसे इसमें कुछ भी डालोगे तो गोंडवानामय हो जाता है। तो अगर आप उसमें आके भी आप अपनी अलग आइडेंटिटी दिखाते हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, आप उसमें अपने को बहुत बड़ा हीरो समझने लगते हैं, हीरोइन समझने लगते हैं, तो समझ लीजिए आप गोंडवाना के लिए नहीं कर रहे हैं, आप गलत फहमी पैदा कर रहे हैं कि गोंडवाना, आप स्टूडेंट यूनियन हो सकते हैं लेकिन गोंडवाना स्टूडेंट के कत्ता भी हिस्सा नहीं है, कतई हिस्सा नहीं है। मेरी बात कर रहा हूं, शायद आपको समझ आ रही हो। अगर आप केवल आप दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, मेरा भाई दिख रहा है, मेरा नाम दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं हर जगह, और गोंडवाना नहीं दिख रहा है, तो आपका स्टूडेंट यूनियन है वो, फिर गोंडवाना का स्टूडेंट यूनियन नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे नाते से एक ईंट भी गोंडवाना में जुड़ती है और मैं ना दिखूं, वो होता है गोंडवाना के लिए। आपका एक ईंट जुड़ना कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में सब दिखे ही, कुछ लोग नींव की ईंट बनते हैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, कुछ हमारे विचारकों से, कुछ हमारे पूर्वजों ने, जो कुछ हमारे साथी हैं आज के युवा हैं, आप जैसे होनहार जो हमारे साथी हैं, जो काम कर रहे हैं, वो एक विजन ले रहे हैं। यह एक पौधा है, ये पेड़ नहीं है, हमारे बहुत साथी इससे फल खाना चाह रहे हैं। माफ करिएगा, अभी ये पौधा उस लायक नहीं हुआ है जिससे आप फल खा सकें, ये पौधा अभी बड़ा हो रहा है, इसको बाड़े की जरूरत है, इसको खाद पानी की जरूरत है, इसके तने को मजबूत करने की जरूरत है, इसमें खूबसूरत फूल आने की लाने की जरूरत है, उसको खूबसूरत फूल के बाद इसमें जब फल लगेंगे तो शायद आप जो काम किए हो आप ना खा पाओ फल, आपके बच्चे के बच्चे जब इस फल को खाएंगे तब बताएंगे, हाँ हमारे कुछ थे पूर्वज जो आज नहीं है, उन्होंने ये काम किया था। तो आपको समझना पड़ेगा, ये गोंडवाना का जो वृक्ष है ये बहुत ही सैसव काल में है, बचपन में है, और हमारे बहुत सारे युवा साथी इस बात को भूल गए हैं, वो समझते हैं तना बन गया है, एक वयोवृद्ध पेड़ बन गया है, हम इसके वृक्ष पूरा तैयार है और हम फल खाना शुरू कर दें। यकीन मानिए जिंदगी में वो कौमें कभी भी अपना फल नहीं खा पाती हैं जो अपना पेड़ नहीं लगाती हैं। ध्यान रखिएगा मैं जो बात कर रहा हूं, वो कौमें अपना फल नहीं खा पाती हैं जो कौमें पेड़ नहीं लगाती हैं, जो कौमें उस पेड़ के तने को नहीं पोसती हैं, जो कौमें उसमें डालियां भोने निकलने का इंतजार नहीं करती हैं, जो कौमें उस डालियों में पत्तियां और छोटी छोटी टहनियां निकलने का इंतजार नहीं करती हैं, उन डालियों पर फूल आने का इंतजार नहीं कर सकती हैं, उनमें कच्चे फलों का इंतजार नहीं करती हैं, वो कौमें कभी भी पका फल नहीं खा सकती हैं। याद रखिएगा मैं आज जो आपके सामने कह रहा हूं, हाँ हमारे कुछ साथियों को लगता होगा कि वो पके फल खा रहे हैं, बिल्कुल खा रहे होंगे, हम कब कह रहे हैं नहीं खा सकते हो, आप खा रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए वो आपकी डाल का, आपके पेड़ का वो फल नहीं होगा, वो फल होगा तो कहीं से चुराया हुआ होगा, कोई दूसरे का पेड़ का फल होगा, वहां आप जाके भीख मांगे होंगे, वहां जाके आके नाक रगड़े होंगे, वहां आके आप चोरी किए होंगे, वहां आपके दगाबाजी किए होंगे, तब वो फल मिला होगा, क्योंकि उसका पेड़ का लगाने वाला जहां से आप फल ले आए हो वो आपका नहीं है, तो वहां सम्मान गर्व गौरव आप नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वो पेड़ जो खा रहे हैं आप, फल जो खा रहे हैं वो फल किसी के दूसरे का पेड़ खाए, क्योंकि उसके पेड़ को पालने लगाने और उसको देने वाला कंट्रोल किसी और हाथ में, लेकिन जब आपका पेड़ अपना होगा तो इसका कंट्रोल आपका होगा, आप इसको जब भी डाली हिलाएंगे तो वो फल आ जाएंगे। जैसे मैं जिस तरफ आपका इशारा कर रहा था, आइए आपको डायरेक्ट बात करता हूं, ये पेड़ जो है गोंडवाना का पेड़ वृक्ष, गोंडवाने के वृक्ष को हम कहते हैं कोया मुरी द्वीप में उगने वाला एक ऐसा विशाल कोया पुनेमी वृक्ष है जिसकी जड़ें उसकी महान कोया पुनेमी संस्कृति है। कोया पुनेमी जो हमारा वे ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, हम इसको धर्म नहीं बोलते हैं, हम पुनेम बोलते हैं, पुनेम है ये, पुनेम क्या है, जड़ है उस पेड़ की, गोंडवाना का जो वृक्ष है पुनेम क्या है, उसका जड़ है, और इस पुनेम से जो संस्कृति निकलती है जिसे हम कोया पुनेमी संस्कृति कहते हैं, जो हमारे नेंग सेंग मिजान पाबुन पड्डुम है, ये जो निकलते हैं ये क्या होते हैं, ये उसके बीच से निकलने वाले शाखाएं हैं। अब शाखाएं जो हैं उनके और जड़ों के बीच में कुछ होगा, आप सोचिए, हमने बताया कि पाबुन पड्डुम नेंग सेंग मिजान जो हैं वो शाखाएं हैं, और मैंने जड़ों में बताया पुनेम जड़ है, तो बीच में क्या होगा, तना होगा, वो तना किसका है, वो समाज का, किसका, सगा समाज, कोयतुरियन समाज जिसे आप बोलते हैं,
गोंडवाना का जो गण समूह है गोंदोला बोलते हैं वो उसका तना है। तो पुनेम अगर जड़ है और गोंदोला जो गोंडवाना का समूह है वो अगर वो तना है और उस पर निकलने वाली शाखाएं वो जो क्या है वो आपकी सांस्कृतिक चीजें हैं वो संस्कृति में, और फिर उसमें जो छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं अगर वो टहनियां क्या हैं और पत्तियां हैं वो क्या है आपकी, वो उसमें आर्थिक संपन्नता है, आपकी वैचारिक संपन्नता है, आपकी ज्ञान की संपन्नता है, जो शिक्षा है वह है, आपका जो आपकी वैभव है। और जब ये सब आ जाता है तब उसके ऊपर धीरे से फूल आते हैं, किसके, समृद्धि के, विकास के। और उस विकास के जब फूल को फल बनता है वो राजनीति होती है। आप समझे वो फल क्या है, वो राजनीति है। हमारे युवा अगर ये सोचते हैं कि वो फल खा रहे हैं और बिना जड़ों को सींचे हुए, तो यकीन मानिएगा आप फल इस पेड़ का तो नहीं खा रहे हो, बस नाम भले यूज कर लो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। ये गोंडवाना तो कह सकते हो लेकिन पेड़ जो ये फल खा रहे हो ना वो कहीं और से आ रहा है। आप केवल गलत फहमी दे रहे हो, लोगों को भ्रम में रख रहे हो कि आप गोंडवाना स्टूडेंट के पदाधिकारी हो, लेकिन आपका हाथ इधर से कहीं पीछे जा रहा है, वो फल चोरी से ऐसे आ रहा है। आपका मुंह केवल फल को दिखा रहा है लेकिन वो फल आपके पेड़ से नहीं कहीं पीछे से निकल के आ रहा है। आप भ्रम में मत रखिए, ये मत सोचिए दुनिया पागल है, दुनिया समझती है। जब आप फोटो खिंचवाते हो, जब आप किसी दूसरी विचारधारा के साथ, किसी दूसरे आपकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ जब फोटो खिंचवाते हो आप किसी नेता के साथ, किसी पदाधिकारी के साथ, तो वो शो करता है कि आप इस गोंडवाला के लिए लायल नहीं हो, आप सेल्फ के लिए हो और उस नेता के लिए लायल हो। आपके आए दिन फेसबुक जो फोटो दिखती हैं, मैं बुरा लग सकता हूं इस बात को बोलते हुए, मैं पता है आप मेरे भाई बहन हो और इतना अधिकार के साथ इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये बात बुरी लग सकती है, क्योंकि आपको लगता है ये जो गोंडवाना है बस ऐसे ही है। अगर गोंडवाना को आपने ऐसे ही रख लिया तो आराम से वो फल चोरी का खाने में आपको शर्म नहीं महसूस होगी, सम्मान महसूस नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन जहां भी ये गोंडवाना की तख्ती आपको दिखाएगी सामने, तब आपको डरोगे, अरे यार मैं तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का पदाधिकारी हूं, कैसे एक्स वाई जेड के साथ कैसे खड़ा हो कर सकता हूं काम ये। हाँ, किसी को सपोर्ट कर देना, किसी को मदद कर देना, किसी के बारे में अच्छी बात कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी माँ को गाली दे करके, अपनी माँ के सीने पे पैर रख के, अपने बाप के सीने पे पैर रख के दूसरे के बाप के चरण को छूना, ये गोंडवाना की कल्चर नहीं है, ये हमारे कोई अपनी कल्चर नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से थोड़ा संपन्न हो सकते हो, जैसा कि सदियों से इस संस्कृति में होता आया है, विभीषण बन के, सुग्रीव बन के आप राज्य पा सकते हो, आप सांसद विधायक तो बन सकते हो, लेकिन जो सम्मान पा सकते हो वो नहीं मिलेगा आपको क्षणिक। ये मंत्रे हैं, आप कई लोग कहते हैं सर बार बार थोड़े पैदा होंगे, ठीक है, अगर आपका लक्ष्य विधायक या सांसद बनना है तो आप गिनवा दीजिए, आप आज जाइएगा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करिए आप, और आज जाके सोचिएगा अगर एक सांस में 15 विधायक का नाम आपको याद आ जाए पिछले विधानसभाओं के, तो हमको जो शर्त कहेंगे वो मैं आपको पूरा कर दूंगा आपकी, क्योंकि आप आज से 25 के 15 विधायकों के नाम नहीं गिना सकते भाई साहब। आपको याद नहीं आएगा कौन लोग थे जो मर गए यहां पर, पशुओं की तरह आए विधानसभा में गए और अपने समय में खत्म हो गए, उनको आज आपकी पीढ़ी जानती तक नहीं है। क्यों? इसलिए जानती है कि वो दूसरे के सड़े हुए फल थे जो सड़ गए वक्त के साथ, अपने पेड़ के निकले हुए फल नहीं थे, इसलिए गोंडवाना में उनको कोई जानता नहीं है। आज देख लिए 47 विधायक हैं, इक्का दुक्का बिलाओ 47 के नाम, तो आप 47 के नाम एक साथ में गिना नहीं सकते हैं, गारंटी मेरी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जड़ों के लिए नहीं, वो पुनेम में नहीं दिखते हैं, वो आपके समाज तने में नहीं दिखते हैं, वो आपकी संस्कृति में नहीं दिखते हैं, वो कहां दिखते हैं, थोड़ा बहुत शिक्षा में। कोई हमारी तरह डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई ऊपर साख में कोई पैसे वाला बन गया, तो साख में थोड़ा बहुत दिख जाते हैं, और दो चार विधायक जो फल दिखे, लेकिन वो आपके नहीं फल थे, वो किसी और की साख को प्लांट किए गए थे। तो आपसे ये निवेदन है कि अगर आप, हाँ अरे इसमें डरने की क्या बात है, अगर आपको लगता है कि आप में आपको एक्स वाई जेड संगठन बहुत अच्छा है, आप वहां जाइए ना, लेकिन इस गोंडवाना की तख्ती को छोड़ दिख जाइए। अगर आपको लगता है बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आप हुनरमंद हैं, आपके अंदर सोने जड़े हुए हैं, आपको लोग पूछते हैं, तो थोड़ा सी नेम प्लेट को किनारे रखिए और जाके उस एक्स वाई संगठन के साथ खड़े होके थोड़ा देखिए कि आपकी औकात कितनी है उस संगठन में। लेकिन ये दोगलापन नहीं होना चाहिए कि आप नाम प्लेट तो लगाते हो गोंडवाना की, लेकिन पीछे से किसी और संगठन की तख्ती ले खड़े होते हो। ये कॉन्फिडेंस उनको नहीं होता है जो
डवाडोल होते हैं, दोगले होते हैं, सामने से कुछ और दिखाते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। गोंडवाना के लिए काम करना है, चार दिन काम करिए, लेकिन गर्व से कहिए कि मैंने इस तारीख से इस तारीख तक गोंडवाना के लिए किया था काम, अब मैं किसी एक्स वाई जेड के लिए करूंगा। गर्व से कहिए, कोई काम नहीं, कोई संगठन बुरा नहीं होता है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है, लेकिन कई व्यक्तियों में घुस जाना बुरा होता है, ये ध्यान रखिए। एक औरत होना बुरा नहीं है, एक मर्द होना बुरा नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर दोनों करैक्टर दिखने लगते हैं तब गड़बड़ है। क्योंकि एक औरत को एक मर्द मिल जाएगा, उससे बच्चे पैदा हो सकते हैं, एक मर्द को एक औरत मिल जाएगी, उससे बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन एक मिक्स गुण वाले से कितने लोगों को मिलवा दो, उनकी कोई संतति नहीं पैदा होती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी आइडेंटिटी पक्की है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, आप संपन्नता की तरफ बढ़ जाएंगे, आप अपनी दिशा को पालेंगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते रहे, कभी यहां कभी वहां, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, तो आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी। और जिस व्यक्ति की पहचान नहीं होता है, उस व्यक्ति की ब्रांडिंग नहीं होती है, और जिसकी ब्रांडिंग नहीं होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जिसकी वैल्यू नहीं होती है वो दो टके होता है। तो इसीलिए अपनी ब्रांडिंग पैदा करिए। राजनीति केवल ब्रांडिंग पैदा करने का हुनर है, और ब्रांडिंग जब कूदते हो तो उसे हम केवल मौसम विज्ञानी बोलते हैं, ब्रांड नहीं बोलते हैं। वो व्यक्ति खुद के लिए तो वो बन सकता है, अपने बच्चों के लिए कर सकता है, लेकिन समाज के लिए उसका योगदान जीरो होता है। आप इतिहास आपके सामने है, आप किसी भी करंट स्टेटस की पार्टी को, आप लोग सब बहुत योग्य और हुनरमंद और ज्ञानी लोग हो और देख रहे हो रोज के आए दिन, तो आप देख सकते हो ऐसे कौन लोग हैं जो कई जगह जाते हैं, सफल हैं, मैं मानता हूं उस लेवल पे बिल्कुल सफल हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सफल तो नहीं हुए, ठीक है, आपकी निगाह में वो सफलता उनकी नहीं होगी, लेकिन वो लोगों के दिलों में जी रहे हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम पिछले कई वर्षों से विधायक नहीं रहे, चाहते तो वो कई बार वो राज्यसभा पहुंच सकते थे, सांसद बन सकते थे, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था कि एक पेड़ लगाया था गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का, और ये सोचा था कि इसके जो बच्चे हैं कल जब इसकी पत्तों को, इसकी डाल को बनाएंगे, इसके तने को बड़ा करेंगे और अपने आप इसमें से फल फूल लेने लगेंगे और आप लोगों में से ही वो हीरे निकल जाएंगे। तो अगर आपको ये लगता है कहीं से भी कि आपको गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन फिट नहीं लगता है, आप छोड़ के जाइए, आपके पास हुनर है, आप यंग हैं, आपके पास ऊर्जा है, पढ़े लिखे हैं, जाइए ना किसी और पार्टी में आराम से खुल के। राजनीति कभी छुप नहीं जाती, राजनीति चोरी नहीं है, राजनीति बहुत ही पाक साफ चीज होती है, राजनीति बहुत खूबसूरत चीज है, उसके लिए चोरी और छुपाए का नहीं होता है। राजनीति करने वाले शेर दिल होते हैं, वो कभी छुप के नहीं काम करते हैं, उनको जो करना करिए। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, हमारे समाज के लोगों को अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो समाज चलेगा कैसे, दिशा कौन देगा इनको? तो लेकिन राजनीति को छुप के करने की चीज नहीं है, जिस भी बैनर पोस्टर के साथ हो उसके साथ दिल जान लगा दो और वहां पर अपने पैरों को मजबूत करो, राजनीति करो। अगर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के साथ हो, क्योंकि हर यूनियन का एक मदर होता है दुनिया के, चाहे वो अब देख लीजिए जितने भी यूनियन है, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूंगा क्योंकि ये हमारा गोंडवाना स्टूडेंट का यूनियन का फोरम है, मैं आपको दसियों संगठन इस देश के गिना सकता हूं, उनके सबके मदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबके मदर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एक ऐसा बेबी है, एक ऐसा बच्चा है जो आज भी एक माँ के लिए तरस रहा है। एक एक निगाह है, एक एक नजरिया है, मां के लिए तरस रहा है, लेकिन वहीं पर यह एक नई मां को पैदा भी करने की प्लान कर रहा है। वो मां, अगर आप उस नई मां को, उसके अस्तित्व को, मां है लेकिन वो दिख नहीं रही आपको, मां को आपने भुला दिया है, उस मां को आपको उसके ऊपर से धूल दफनाई गई है, उसको दुख मिट्टी हटाना है और मां दिखने लगेगी आपकी। और ये जो इतने पूरे कई राज्यों में संगठन है, लेकिन आपको दुख होता है जब देखता हूं कि हमारे लोग जीएसयू का नाम लेकर के विभिन्न संगठनों में जाकर के वहां आप जाइए ना, वो जो संगठन है उनका नेम प्लेट लीजिए, उनका टैग लीजिए, उनका झंडा लीजिए, बनर पोस्ट की कोई बुराई नहीं है, राजनीति करिए, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास हुनर है, ज्ञान है, पावर है, टेक्निक है, करिए ना। लेकिन आप ये दोगरा पान वाला काम छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे ना आपका भला होगा और ना समाज का भला होगा। यह समाज थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, अपने करवट बदल रहा है, और यकीन मानिए यह करवट आज नहीं तो कल आपकी ऊर्जा को देखते हुए,
आपकी एनर्जी को देखते हुए, आपकी शक्ति को देखते हुए, आपके ज्ञान को देखते हुए मुझे इतना यकीन हो चला है कि हमारा समाज जिसको हमारे पुरखों ने जगाया है, आप आज जाग चुके हो, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता है। आप जाग चुके हो, आप अवेयर तो हो गए हो, आपके अंदर अवेयरनेस तो आ गई है, आपके अंदर आंखें तो आप धुल लिए हो, उठ के अपने खाट से पलंग से चद्दर को किनारे रख के बैठ चुके हो, लेकिन जाना कहाँ है अभी तय नहीं कर पाए हो, क्योंकि ये तय करने वाले वो काम ये बीच की पीढ़ी का था जो वो भटक गए खुद, आपको बता नहीं पा रहे हैं कि आपको जाएं कहां। हमारे युवा आ तो गए हैं ऊर्जा लेके, अब ऑब्वियस सी बात है अगर युवा के पास ताकत है, ऊर्जा है, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, प्लान है, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। जब आप उसको कुर्सी नहीं दोगे तो कहीं और कुर्सी तलाशेगा वो, ऐसा तो नहीं बैठा रहेगा। तो ये हमें सोचना है कि हमारी जो ऊर्जा है वो कहां जाए। अगर हमको अपनी ऊर्जा का नहीं पता लग रहा है तो वो तो कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा, हमारे पुरखों ने जगा दिया, हम जब उठ गए अब हमको लेबर के रूप में कोई यूज करेगा, हमको दिहाड़ी के रूप में कोई यूज करेगा, हमको कोई झोला उठवाने के लिए यूज करेगा, कोई टेंट बिछवाने के लिए, कोई कारपेट बिछवाने के लिए यूज करेगा, कोई टेंट लगाने के लिए यूज करेगा, कोई डांस करने के लिए यूज करेगा। हम यूज होंगे, फिर हम ओनर नहीं बनेंगे, हम मालिक नहीं बनेंगे। जो कहते ना कि हम बना के रहेंगे गोंडवाना, तो बना के रहेंगे गोंडवाना कौन बनाएगा, है कोई जो बनाएगा उसको गोंडवाना, तो कौन बनाएगा? तो जब लोग और लोगों को बनाने लगेंगे, अपने अपने घर बनाने लगेंगे, तो ये गोंडवाना को कौन बनाएगा? इस कोया पुनेमी दुनिया को कौन संभालेगा? जो आप कहते हो गर्व से कि मैं कोयतूर हूं, तो वो कोयतूर होने का जो झंडा है उसका दायित्व कौन लेगा? मात्र कहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए कुछ लोगों को करना पड़ता है। हम जितनी आसानी से कोई चीज कह देते हैं, आप देखिए, और अब लास्ट बात आपके आ रहा हूं, तो एक तो अपनी आइडेंटिटी हमने बताया, एक अपनी धर्म संस्कृति की जो बेला है उसको सुरक्षित रखना है, अपने जो कोया पुनमी पौधा है उसको सींचना है, उसकी सुरक्षा देनी है, और उसके फल की अगर मिल जाता है आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां देंगी, दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात, हम करते हैं कि जब हमको हमारे बीच में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हमको लगता है कि अब क्या करें, हम तो अवेयर तो हो गए हैं, हमारे पुरखों ने हमें जागृत तो कर दिया, हम जग गए हैं कि भाई अब तो मैं होशियार हो गया हूं, पढ़ लिख लिया हूं, चार पैसे आ गए हैं, बाइक आ गई है, और हमारे पास कपड़े हो गए हैं, लेकिन अब हम काम किसके लिए कर रहे हैं? हमको जाना कहां है, हम कहां टाइम व्यतीत कर रहे हैं? आप देखिए, हमारे आए दिन फेसबुक पे हम क्या करते हैं कि हम धरना प्रदर्शन को बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि मान लेते हैं। अभी मैं आपको संकलित कर रहा हूं, दिखाऊंगा जितनी भी प्रेस नोट और विज्ञापन और धरना प्रदर्शन दिया था है, उसका फॉलो कब होता है? वो केवल अपना नाम लिख के पैड लगा के, वो नाम लिख के डीएम और कलेक्टर पे ऑफिस में देने का काम जो होता है ना, वो 2% का है। आपकी जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है, और समाज में कोई परिवर्तन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूं उसको, ध्यान रखिएगा। आपको ये बहुत बड़ा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन इसका कोई पैरवी नहीं होती है। आप जब धरना प्रदर्शन करते हैं ना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको, आप नहीं कर रहे होते, आपको लगता है हम कर रहे होते हैं, यही गलतफहमी आपके जिंदगी में है। आप जो कुछ कर रहे हैं आपको लग रहा है आप कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। आपको लगता है वो रिमोट कहीं और है, आप मात्र उसके हैं। जैसे कहीं कोई रेप हो गया और रेप किसी ने करवा दिया और आप जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि रेप करवाने के पीछे एक स्ट्रेटजी थी। कोई चीज की जाती है उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, उसको हजारों लाखों लोग संगठन उसको प्लान करता है वो। और आप जब धरना प्रदर्शन करते हो ना, तो आपको लगता है मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे, वो आपको फोर्स किया गया करने के लिए, आपको वो ज्ञापन देने के लिए फोर्स किया गया है। अब आप गलतफहमी पाल बैठे हो कि मैंने किया दुनिया चेंज हो गई, आप ये गलतफहमी मत रहिए। तो ये धरना प्रदर्शन, ये रैली निकालना, ये बाइक रैली निकालना, ये जो विरोध प्रदर्शन करना, ये पॉम्पलेट बांधना, और ये जो ज्ञापन देना ना, ये 2% की काम है, 2% का। इससे आपके समाज में सदियों तक, कई अरबों सालों तक करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। उतनी देर में अगर सोचिए, आप हजार लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हो, हजार लोग अगर एक एक चीज कहीं पर कुछ भी क्रिएट करते, हमारा समाज क्रिएटिव में नहीं रह रहा है, हमको डिस्ट्रक्शन की तरफ, हमारे समय को बेकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लान किया जाता है, जिससे हमारे लोग इन चीजों में उलझ जाएं। और जब आप डिस्ट्रक्टिव चीजों में उलझे रहेंगे, जब कंप्लेन मोड में होंगे, शिकायत के मिलाजे में होंगे, तो आपसे निर्माण नहीं होता मित्रों।
निर्माण होने के लिए शांति चाहिए, सुकून चाहिए, पेट में खाना चाहिए, तन पे कपड़े चाहिए। जब ये सब चीज होती है तब निर्माण की प्रक्रिया होती है, और गोंडवाना में अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। अभी तक बुराई केवल शुरू हो रही है, हम बुराई कर रहे हैं, हम केवल एक किसी की बुराई कर रहे हैं, वो कैसे कर रहा हो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम देखें कि सुबह से शाम तक हमने क्या क्रिएट किया, हमने क्या किया, हमने एक ईंट लगाई, हमने एक कुछ काम किया, उसका क्या औचित्य। हम 365 दिन ये दिखाने के लिए, आपको यकीन नहीं आनेगा, इसी को दिखाने के लिए एक छोटा सा कार्य मैंने एक साल पहले शुरू किया था, जिसे हम कहते हैं कोया मंदिर। किसी ने कहा कि सर कैसे हम करें कि हम रेगुलर कुछ कुछ कर रहे हैं। हमने कहा देखिए, मैं बीमार भी होऊंगा, मैं कुछ भी होऊंगा, मेरा प्रण है कि 365 दिन तक मैं अगर मर नहीं गया तो एक कोया मंदिर का कारवां रुकेगा नहीं। और आज 313वां दिन था, आज तक रुका नहीं है। क्या है ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, लेकिन एक अनुशासन है जिंदगी में। ये अपने बच्चों को दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं दिखाने के लिए कि हम एक छोटा सा ही काम कर रहे हैं, आज तो 313 पेज बन गए हैं, कल वो किताब बन सकती है। तो बात ये नहीं होती आप कितना छोटा काम कर रहे हो, छोटा केवल 49 वर्ड होते हैं या 60 वर्ड मैक्सिमम होते हैं उस पूरे मंदिर में, लेकिन आप सोचिए 313 दिन से एक भी दिन नागा नहीं हुआ है। ये काम बहुत छोटा सा है, मुझे पता है जो मैं कह रहा हूं ये बहुत छोटा है, लेकिन एक क्रिएटिव काम है। अगर मैं चाहता तो इन 313 दिन में किसी की बुराई रोज कर सकता था, क्रिटिसाइज कर सकता था, किसी से झगड़ा कर सकता था, किसी से उलझ सकता था, किसी को गाली गलौज दे सकता था, लेकिन इन 313 दिनों में मैंने प्रण किया है कि अगर मुझे कोई गाली भी देगा तो अपनी क्रिएटिविटी नहीं छोड़ेंगे। यही हमारे आपको आज मैं इस पूरे माध्यम से कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज आप बुराई के मोड़ से निकल जाइए और क्रिएटिविटी के बाद में। हमारे कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे हीरो हीरोइन हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिनको समझ में आ गया है कि हम किसी बुराई करके, किसी को गालियां देके हम महान नहीं बन सकते हैं। हमको महान बनने के लिए हमको काम खुद करना पड़ेगा। महानता किसी को बुराई देने से नहीं होती, काम करने से आती है। अगर हम किसी की बुराई करते रहेंगे तो हमको नहीं। अब दूसरी बात बताते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर हम लोग हमको उलझते हैं तो क्या करें, हम चुप रहें, हम कायर हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझिए इस बात को। जैसे एक बाज, आल्दो यह एक बायस्ड उदाहरण है लेकिन फिर भी आपको समझने की कोशिश करिए, मेरा कोई जेंडर यहां पर मतभेद करने का मकसद या मंतव्य नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं अब दे रहा हूं। एक बाज औरत होती है, देखा आपने, वो डरती नहीं है, पेड़ पर चढ़ जाएगी, डंडा उठा के आपको मार भी देगी, आपसे लड़ भी जाएगी, वो किसी पानी में कूद पड़ेगी, नदी में कूद पड़ेगी, ये भैंस के चलाने के लिए डंडे तेज भागेगी, पहाड़ पर चढ़ जाएगी, कहीं भी कुछ कर लेगी। लेकिन एक गर्भवती महिला को आपने देखा है जिसके पेट में बच्चा है, जिसके पेट में बच्चा है वो क्या करती है, वो छोटी छोटी राह पे भी अपने पैरों को संभाल के रखती है, छोटे छोटे मेड़ों पे भी नहीं जाती है कि कहीं फिसलन ना हो जाए, पानी के काई लगी स्थानों पर नहीं जाती है कहीं वो फिसल ना जाए, किसी से झगड़ा नहीं करती, किसी डंडे लेके दौड़ाती नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ गर्व है, उसे देने के लिए कुछ है, उसके पास कुछ खोने के लिए उसके पास है, उसके पास एक गर्व है देने के लिए, इसीलिए वो संभल के चलती है। कोई गाली भी देता है तो मुंह को सर को झुका के निकल जाती है, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ है। याद रखिएगा सेंटेंस, जिसके पास कुछ देने के लिए होता है वो हमेशा शालीन होता है, वो सौम्य होता है, शांत होता है, और जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है वो बांज औरत की तरह लड़ता झगड़ता रहता है, वो पगडंडी पे पेड़ चढ़ जाएगा क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वही ऐसी हरकतें करता है, लेकिन जिसके पास कुछ देने के लिए होता है वो कभी भी आपसे पंगा नहीं पालता है। तो जिस समाज के पास, आप देखिए, जिस समाज के पास कुछ देने के लिए है, ध्यान से सोचिएगा, उस समाज कौन है इस देश में, कभी आपने देखा उसको किसी आंदोलन का हिस्सा बनते हुए, कभी देखा उस आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपने दिमाग को पीछे बंद करिए, आंख को और दिमाग को दौड़ाइए और देखिए कि वो कौन सा समाज है जो कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता, वो कौन सा समाज है जो कभी ज्ञापन नहीं दे जाता है, वह कौन सा समाज है जो रेप की शिकायतें नहीं करता है, वह कौन सा समाज है जो सर फूटने पर कलेक्टर ऑफिस नहीं जाता है, वह कौन सा समाज है जो अपनी जमीन हड़पने के लिए, जिसकी जमीनें नहीं हड़पी जाती। क्यों? क्योंकि वो समाज क्रिएटिव है, वो क्रिएट कर रहा है,
वो कुछ बना रहा है। अगर मैं आपके लिए जाल बना रहा हूं तो मुझे जाल बुनने में टाइम तो लगेगा ना, मैं तो व्यस्त रहना पड़ेगा मुझे। अगर उसमें आप डंडा मार के मुझे गुस्सा दिला दिए तो मैं वो डंडा उठा के भागूंगा आपके पीछे और जाल बनना बंद हो जाएगा। तो जो मछली होती है वो कभी जाल नहीं बुनती है, लेकिन कूदती बहुत है वो, ठीक है। लेकिन जो मछेरा होता है वो केवल जाल बुनता है, उसको पता है इनको कूदने दो, दो बार में जाल डालूंगा और सभी मछलियां आ जाएंगी। तो मछलियां जो है कूदती बहुत है, लेकिन मछेरा जो है वो कूदता नहीं है, वो जाल को धीरे 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 बुनता है और जाल को फेंकता है और सब मछलियां नीचे आ जाती हैं। तो आपको मछेरा बनना है, मछलियां नहीं बनना है दोस्त। हमारा समाज मछलियों की तरह कूद रहा है, ये क्रिएट नहीं कर रहा है, ये उस गर्भवती महिला की तरह नहीं सोच रहा है। आज से आज जब जाइएगा तो एक गर्भवती महिला को ध्यान रखिएगा कि आप एक गर्भवती महिला है, आपके पास कुछ है बीज, कोई बीज पाल रहा है, जैसे मैंने पाल रखा है। मैं जानता हूं मुझे कोई गाली दे दे, मुझे इस समय कोई कितना भी कुछ कर दे मेरे साथ, कितना भी आरोप लगा दे, कितनी भी गालियां दे दे, कितना वो कर दे, लेकिन मैं गुस्सा नहीं है मुझे आता। पहले मैं उबल जाता था, अभी मैं उनको सीधे नमस्कार करता हूँ गायब उनके चेहरे से, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ हो रहा है, मैं कुछ गर्भ पाल रहा हूँ। मुझे पता मेरे पास एक गर्भ पल रहा है जिसे मुझे 5 साल के बाद डिलीवरी देनी है अपने समाज को। वो डिलीवरी मैं देने से पहले ही कहीं उलझ गया किसी झगड़े में, किसी मुकदमे में, किसी गलत काम में, किसी लड़ाई में, किसी धरना प्रदर्शन में, किसी सर्वप्रहुआल में उलझ गया, तो जो मेरे पास गर्व है, जो मैं समाज से वादा किया हूं कि दूंगा, वो समाज कैसे दे पाऊंगा। ऐसे ही आप भी अपने जगह से वादा किए हो, किससे? गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से। आप वादा किए हो कि इस समाज को, इस स्टूडेंट यूनियन के थ्रू हम कुछ समाज को देंगे, और अगर आप इन्ही चीजों में उलझे रह गए कि केवल भाषणबाजी में आपका टाइम चला जा रहा है, केवल आपका टाइम जो है दूसरे की बुराई में चला जा रहा है, किसी पार्टी की किसी व्यक्ति की बुराई करके आपको क्या हासिल हो जाएगा? आप बैठिए, कुछ भी थोड़ा सा पढ़िए, लिखिए, कुछ खोज लाइए, कुछ लाइए समाज के बीच में, थोड़ा सा भी अपने गांव के चक्रोड ही बना लीजिए 10 लोगों को इकट्ठा करके, रास्ता तो बन गया। लेकिन अगर दिन भर गाली देते रहेंगे कि ये रोड खराब है, अब मैं रोज देखता रहता हूँ मंडला से जबलपुर की रोड के बारे में खूब बात होती है लोग धान लगाते हुए, लेकिन वो लोगों से कभी पूछिए जो धान लगाते हैं वहां पर, कभी वहां पर 2 ईंटें रखे हैं? धान मत लगा के व्यंग मत मारिए कि कोई वहां पर गड़बड़ है, उसको कैसे, उस रोड को जो टूटी रोड है अगर थोड़ा थोड़ा बनाया जाए तो कैसे हम अपने घर के पास तक तो रोड सही कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अभियान में अगर हम सोच लेंगे, हमारा समाज, यकीन मानिए, आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, एक बड़े भाई के तरह पे, एक छोटे भाई के तौर पे, जो भी आप हमारे उम्र में होंगे, यकीन मानिए जब आप क्रिएटिव मोड में आ जाएंगे तो आपका गुस्सा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको किसी से चिढ़ नहीं होगी, किसी से आपको जलन नहीं होगी, कोई आपका दुश्मन नहीं होगा, आप सबको बराबर समझने लगोगे। लेकिन जैसे ही आप किसी के क्रिटिसाइज वाले मूड में चले जाओगे, किसी की बुराई करने लगोगे, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आप कोई बना ही नहीं सकते कुछ। यकीन मानिए, आप जाकर देखिएगा, आप एक गीत लिखिए, एक कविता लिखिए, एक मूर्ति बनाइए, एक कुछ आकार दीजिए, एक स्टोरी लिखिए, किसी किले की खोज करिए, किसी पहाड़ पे चढ़िए, अपने पेन थाना में जाइए, आप सोचिए उस समय आप क्या कर सकते हैं। आपसे कभी भी वो विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्रिएटिव मूड में घुस गए हैं। जब आप क्रिएटिव मूड में होंगे तो आपको बाहर की दुनिया की जो लड़ाई झगड़ा वो अपने आप ही चला जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम वो उससे डिस्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्शन में फंस जा रहे हैं। हमको कोई थोड़ा सा आरक्षण के नाम पे, जल जंगल की जमीन के नाम पे, हमारे वजीफे के नाम पे, हमारे थोड़ा सा रिजर्वेशन के नाम पे उकसा दिया और हम दिन भर उसी में बैनर पोस्टर लगाए हुए घूम रहे हैं और शाम को थक के सो जाते हैं, और फिर दिमाग काम करता नहीं है। दिमाग उसका काम करता है जो भरपेट भोजन करता है, चैन की नींद लेता है और बिस्तर पे आराम से अजगरों की तरह पड़ा रहता है, उसका दिमाग काम करता है। जो दिन भर फौड़ा चलाता है ना, जो धरना करता है, उसका दिमाग नहीं काम करता है। वो केवल लिख के आवेदन दे सकता है, उस पर एक्शन लेने का अधिकार उसके नहीं होता है। तो आज यकीन रखिएगा, अगर एक्शन लेने वाला बनना चाहते हो, प्रशासक बनना चाहते हो, रूलर बनना चाहते हो, अपनी गौरवशाली अतीत को, परंपरा को, धर्म को, संस्कृति को, समाज को फिर से लाना चाहते हो, खड़ा करना चाहते हो, तो आपको बुराई की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आपको क्रिटिसाइज करने का हक नहीं है किसी को, क्योंकि आपने कुछ बनाया नहीं है। आपको बनाने का हक तब है, किसी को बुराई करने का हक तब है जब आप उससे बेहतर बन सकें। आप बेहतर तो बन नहीं सक रहे हैं, लेकिन जो आदमी थोड़ा भी है अच्छा, उसको आप बुराई करेंगे तो क्या होगा, आप और भी बदतर होते जाएंगे, उसके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ने वाला है।
मैं कई बार जाता हूं लोगों के बीच में, कई बहुत सारे अपने प्रशासन अधिकारी जो आईएएस हैं, जो पीएससी हैं, जो आईपीएस हैं, या जो एसडीएम हैं, जजेज हैं, मिलता हूं उनसे, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि आइए आप थोड़ा समाज साथ समझ लें। वो कहते हैं साहब की समाज की बात कर रहे हो, वो समाज जिसके बीच जाता हूं, जो मेरे पास आता है तो मैं उसको बाहर खड़ा कर रहता हूं, लेकिन जब उसके लिए जाता हूं तो मुझे गालियां देता है, उस समाज की आप बात कर रहे हो, बड़ा दुख होता है। कई बार अकेले में रोता हूं कि आप जैसे युवाओं के लिए क्या इस समाज के पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य या दायित्व तो नहीं है? है, वो भी सोचते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि पढ़े लिखे लोग जो ऑफिसर बन गए हैं आपके बारे में नहीं सोचते हैं। मैं हजारों लोगों से मिलता हूं, अभी 10 दिन से बाहर निकला था, आज आया हूं 4 जिलों से घूम करके, लेकिन देख रहा हूं कि सभी लोग केवल इस बात से परेशान हैं कि हमारे लोग जब हमारी बात हम कुछ कहने जाते हैं तो उसका तो बहुत ज्यादा बुराई करते हैं, लेकिन हमसे बहुत नीचे स्तर का जो कोई दूसरा आदमी आएगा उसके पांव छूने लगते हैं। ऐसा जो आपका स्वभाव है वो आपके लोगों को डिस्करेज करता है काम करने के लिए आपके बीच में। वो आपको, उनको लगता है यार कि जो व्यक्ति जिस समाज में जा रहा हूं वो समाज हमारी इज्जत नहीं करता है, या वो समाज, हमने उनसे ये भी कहा कि आप जब तक जाएंगे समाज के बीच को आपको इज्जत करे तो वो आप ये गलतफहमी है, क्यों इज्जत करेगा? समाज ने आपको बुलाया था क्या? समाज ने आपको कहा था आप मेरे बीच आइए? वो आपका निर्णय था वहां जाने का, तो वहां पर जो कुछ मिलेगा वो भी स्वीकार करना आपका निर्णय होना चाहिए। तो ये जब उनको बात मैं बताता हूं तो ऐसी ही बात बताना पड़ेगा लोगों को कि जो समाज है वह किसी व्यक्ति से नहीं होता है, एक समूह से होता है। किसी एक व्यक्ति की विचारधारा पूरे समाज की विचारधारा नहीं हो सकती है। हमारे व्यवस्था में ऑलरेडी विचारधाराएं हैं, हमारी व्यवस्था में ऑलरेडी सब कुछ उपलब्ध है, उनके ऊपर से हमें मिट्टी हटानी है और झाड़ू लेकर कुछ दिन हमें सफाई करनी है। आप यकीन मानिए यह सब कुछ आपके पास है, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने बड़े वैभव के मालिक हैं, कितनी बड़ी संस्कृति के अधिष्ठाता हैं, कितनी बड़ी भाषा के धरोहर आपके पास है, आपके पास कितनी प्राचीन संस्कृति जिससे दुनिया की सभी संस्कृतियों का विकास हुआ है, वह संस्कृति आपके पास है। जब आपके पास अपनी भाषा है, जब आपके पास अपनी संस्कृति है, जब आपके पास अपना पुनेम है, जब आपके पास अपनी व्यवस्थाएं हैं, आपकी अपनी पहचान है, तो फिर अपने की पहचान को दूसरे के बैनर से क्यों तय कर रहे हैं? आज जाइएगा अपनी पहचान को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के अपने थोड़ी देर अकेले में बैठिएगा, 5 मिनट का समय आज दीजिएगा और सोचिएगा क्या मैं जो कर रहा हूं उससे मैं हासिल क्या कर पाऊंगा, क्या मैं बन पाऊंगा उससे, वो करने से मुझे क्या हासिल होगा, और उस हासिल होने से मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का और मेरे देश का कैसे भला हो पाएगा। और उन लोगों का इतिहास पढ़िएगा जो दूसरे की बुराइयां करते रहे हैं और उनका अंत कैसे हुआ है, और फिर वहीं पर वो भी देखेगा जो थोड़े थोड़े टुकड़ों से महल बनाते रहे हैं, जो थोड़ा सा एक नींव ही भर पाए थे, उनका सम्मान देखेगा समाज में कि उनको लोग सम्मान कैसे देते हैं। बस ये दो अंतर आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं जो आपको बताऊं कि आप ये करिए, मैंने अपने अनुभव आपसे शेयर किए हैं, जो मैं रोज आपके बीच में रहता हूं, आपके, मैं केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं करता हूं, मैं रोज गांव में रहता हूं, रोज हम कई जगहों में रहते हैं, शहर में ही नहीं रहता मैं उस समझना चाहता हूं कि लोग क्या सोच रहे हैं समाज के बारे में, हमारे समाज के लोग क्या सोच रहे हैं। दूसरा तो हमारे विध्वंस के बारे में सोच रहा, हमारे विघटन के बारे में सोच रहा, हमको नस्तनाबूद करने के बारे में सोच रहा, लेकिन हमारा समाज हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये भी जानना हमारा फर्ज है। हमारे बच्चे जो हमारे युवा हैं, हमारी युवतियां हैं, हमारे लया लयोर हैं, वो क्या अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं, हमारे सियान लोग अपने समाज के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे राजनीतिक लोग अपने समाज के बारे में क्या, अगर मैं सबकी बातों को देखूं, सबके बारे में सोचूं, तो लगता है यार ये लोग तो सभी लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच एक जगह नहीं आ पा रही है। हर व्यक्ति अच्छा सोच रहा है, हर संगठन अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या होता है, वो अच्छा यहाँ किया, ये अच्छा यहाँ किया, दोनों अच्छा किए, लेकिन इसने कहा कि ये बुरा है और इसने कहा कि ये बुरा है, क्रास हो गया, दुनिया ने क्रास देखा, दोनों की अच्छाइयां अपनी जगह रह गई। आप सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे को बुरा करने लगते हैं तो जो दिखाई पड़ता है ये क्रास दिखाई पड़ता है, ये बुरा, इसको नहीं आने दीजिए, आप यहां काम करते रहिए, वहां एक दीपक जलाने की जरूरत है,
एक रोशन करिए, अंधेरे को गाली देने से मेरे भाइयों मेरे बहनों कुछ नहीं होगा। अंधेरे को पूरी रात गाली दो, उजाला नहीं कर पाओगे, लेकिन एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जला के देखो, एक छोटी सी माचिस की तीली जला के देखो, आपको अंधेरा उतनी दूर का तो हल जाए। ठीक है, आप इतने बड़े नहीं हो, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, इस हमारा समाज इतना बड़ा नहीं कि हम पूरी दुनिया में उजाला कर दें, लेकिन हाँ इतने बड़े जरूर हैं कि एक दिया एक मोमबत्ती एक कैंडल तो बन सकते हैं। बस यही बात कहूंगा, आप हमारे समाज के हीरोज हो, आप हमारे समाज की हीरोइन हो, आपसे इतनी उम्मीद तो समाज रखता है, आपसे आपका परिवार और मैं भी आपसे इतनी उम्मीद तो रखता हूं कि आप एक चराग की तरह जल जाओ। और एक बात याद रखना, एक शेर के साथ मेरी बात मैं खत्म कर रहा हूं, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। जो चराग होता है, जो दिया होता है, उसका कोई अपनी पहचान नहीं होती है। मंदिर पर रख दोगे तो वहां वो रोशनी करता है, पेंट खाने पे रख दोगे तो वहां रोशनी करता है, और नाले पे रख दोगे तो वहां भी रोशनी करेगा। हमारे गोंडवाना स्टूडेंट का, यूनियन का जो हमारा दीपक है, या किसी पार्टी किसी व्यक्ति से संबंध नहीं है, उसकी अपनी पहचान है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का चराग है वो, उसको नाले में भी रखोगे वहां भी रोशनी करेगा, उसको मंदिर में रखोगे तो वहां भी रोशनी करेगा। तो आप वो चराग हो, अपनी पहचान को मंदिर और नाले से मत जोड़ के देखना, बस आप उस चराग की तरह रोशन होते रहिए और जितना आपसे हो सके उजाला करते रहिए। बस इसी के साथ आपको बहुत बहुत आज के इस स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां और हार्दिक सेवा जोहार। और अगर मैंने बड़े भाई के तौर पे कुछ बातें कह दी हो जो आपके दिल में कहीं चोट भी लगी हो तो उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन ये मैं बहुत इमोशनल होके भावुक होके अपील आपसे कर रहा हूं कि आप अपने बारे में सोचते हुए गोंडवाना शब्द के बारे में जरूर सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर सेवा जोहार। सेवा 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 जोहार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर अपनी बात रखी। मैं इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में, अंतिम पलों में गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के लिए हमारे विशिष्ट मार्गदर्शक, हमारे डीजीवी आदरणीय डॉक्टर सूर्यवाली सर ने जो हमारे सभी के सामने जो बात गहराई के साथ रखी है, आप सभी से निवेदन है उस बात की गहराई को जरूर समझिएगा कि हम कौन हैं, क्या हैं और क्यों हैं, और गोंडवाना शब्द कितना महत्व रखता है, गोंडवाना शब्द कितना महत्वपूर्ण है। संगठन, समाज और देश सबसे ऊपर है। बहुत सारी चीजें देखने में आती हैं कि कई जगह पर हमारे बहुत सारे साथी परिवार के लोग, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन परिवार के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। आप इतना छोटा सोचकर, कम चीजों को सोचकर एक बड़े लक्ष्य को खो देते हैं। हम सभी का एक बड़ा लक्ष्य है, हम सभी का एक बड़ा लक्ष्य होना भी चाहिए। उस बड़े लक्ष्य को की ओर हम तब तक बढ़ते रहेंगे और बढ़ना है, लेकिन समस्या और दिक्कत तब आती है कि जब हम उस बड़े लक्ष्य की ओर ना बढ़कर छोटे छोटे लक्ष्य में, छोटी छोटी बातों पर अपना समय, अपना जीवन और अपना दिन बर्बाद करते। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन शुरू से कहते आई कि हड़ताल, धरना, प्रदर्शन ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आप लोगों का आपस में बैठना, महत्वपूर्ण है गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन का प्रतिमाह की बैठक, महत्वपूर्ण है जो आप हर दिन जो क्रिएटिव काम करते हैं, और महत्वपूर्ण है उस बैठक की सूचना वरिष्ठ पदाधिकारियों तक को देना। इसके लिए आप सभी के पास, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के परिवार के सभी सदस्यों के पास नियमावली है जो कि बेहतरीन है, सुदृढ़ तरीके से उसके अनुसार आप सभी को काम करने की आवश्यकता है। अंत में गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन परिवार की ओर से मैं
हमारे सभी दर्शक बंधुओं को, दर्शकों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वीर नारायण सोना खान जी के शहादत दिवस को हम सब से हम सभी प्रेरित हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पूर्वज हैं, बहुत सारे लोग हैं, जरा सोचिए, जिन्होंने गोंडवाना के लिए अपनी जान, अपना जीवन, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ निछावर, पूरा जीवन निछावर करने के बाद भी, यदि हम उनके पीढ़ी, हम उनके वंशज इस बात को नहीं समझ पाए तो धिक्कार है हम पर, उन पीढ़ियों पर और उन लोगों पर जो अपने पूर्वजों की दहों पर, जो अपने पूर्वजों की लाशों पर चल रहे हैं लेकिन गोंडवाना को समझ नहीं पा रहे। गोंडवाना को एक स्वार्थ के रूप में उपयोग कर रहे हैं। गोंडवाना केवल एक शब्द नहीं है, गोंडवाना अपने आप में एक वो शब्द है जो हमें ऊर्जा देता है, जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें जिंदा रखता है। और जिंदा रहना है तो गोंडवाना के लिए खड़े रहिए। और ये बहुत स्पष्ट है और आपको स्पष्ट होना चाहिए, यदि आपके मन में किसी और के लिए कोई भी शंका, डाउट है, या आप किसी और संगठन के साथ, ऐसे संगठन के साथ जो गोंडवाना के साथ नहीं है, ऐसे संगठन के साथ यदि आप काम करना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से करिए, चोरी छुपे मत करिए, स्पष्ट रूप से करिए, लेकिन गोंडवाना के साथ गद्दारी मत करिए, गोंडवाना को धोखा मत दीजिए। करोड़ों लोगों की उम्मीद है हमसे, आपसे, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से और गोंडवाना के उन सभी संगठनों से जो गोंडवाना का नाम उपयोग करते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दी है और उनकी कुर्बानी हम और हम जैसे सभी युवा व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसी वादा के साथ, इसी बात के साथ आज की बात और आज का ये फेसबुक कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आप सभी को सेवा 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 जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद और सादर सेवा जोहार राजतिलक जी। धन्यवाद सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा जोहार सर।